When we talk about mental health or mental well-being, what is it that we are actually talking about? ये होता क्या है? Mental well-being क्या है? किसी भी शख्स का खुश रहना और अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाना, ये इंसान की mental health है. Mental health does not mean कि दिमाग का ठीक हो. Brain is an organ which has multiple functions. So there are many functions of the brain: physical activity, mental activity, the sense of smell. Then sense of smell also needs memory. How do we know this is a smell of a rose or a chiku? That is because of our memory. Mental health जो है, इसके ऊपर बात करना, इस बारे में discussion करना क्यों लोगों को पसंद नहीं है, क्यों हमारे पास इस पे हम reserved रहते हैं, उसकी वजह यह है कि ये एक सोसाइटी के अंदर एक गलत फहमी है कि हमने बचपन से जो मेंटल वर्ड सुना है तो हम मेंटल हो गया है बोलते हैं, मतलब पागल हो गया है. और ये बहुत बड़े लेवल पे, आलमी सतह पे है. एक पर्सनल वाकया इवेंट है कि मैं कहीं से गुजर रहा था और एक मेंटल क्लिनिक वहाँ था. जो साहब वहाँ से निकल रहे थे मेरे पहचान के थे. जब उन्होंने मुझे देखा तो फौरन बोलने लगा, मैं नहीं मैं अच्छा हूँ. मतलब वो दूर से ऐसा रोक के मुझे बोला, मैं नहीं मतलब मैं ठीक हूँ. और फिर उन्होंने उस रुमाल था उनके पास, उस रुमाल को ढाटे के ऐसे बांध लिया ताकि कोई उनको पूरा रोड क्रॉस करने तक ना देख. मतलब इतना उसको वो किया है. लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया जैसे जो चीज़ें होती हैं, क्या ये फैमिलीज में तनाव या स्ट्रेस का रीजन बन सकते हैं? टीचर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये स्लो लर्नर है, इसको नहीं आता है कुछ भी पढ़ना, ये इसको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसका IQ लेवल कम है, इस तरह से उसको साइड में रख देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते. जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है पढ़ाई में और वो बिल्कुल भी, उसका एकेडमिक अचीवमेंट लो हो जाता है और वो पढ़ाई से दूर होता चला जाता है. उसका रीजन हम ढूंढते नहीं है. मेंटल हेल्थ, इसके अंदर कई सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक डिसलेक्सिया है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज है, या ADHD है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है. ये भी एक प्रॉब्लम है. बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, उनका फोकस नहीं होता है. इंटेलिजेंट रहते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, इस वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं. तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. आपको, हमको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको पता होना चाहिए ताकि इनको, बच्चों को हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए और सभी इनकी ट्रेनिंग हो पाए और इनकी हेल्प हो पाए, ताकि बहुत सारा जो स्ट्रेस है सोसाइटी में, स्कूल्स में, पेरेंट्स में, फैमिलीज में, वो हम मैनेज कर सकें. मेरा नाम सफ़र ख़ान है, मैं रूट सर्विंग्स अकेडमी से हूं और इस पैनल डिस्कशन का पैनल मॉडरेटर हूं. आई एम श्योर आपने पैनल डिस्कशंस पहले अटेंड किए होंगे, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव रूल्स, गाइडलाइंस इस पैनल डिस्कशन के मैं आपको बता दूं. पैनल डिस्कशन के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आज के टॉपिक के जो चेयरपर्सन हैं और आज के जो दो स्पीकर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं. डॉक्टर फारूक लोखंडे साहब, एडवोकेट फैज सैयद साहब और मिसेज नुसरत परवीन मैडम. हमारे साथ स्टेज पर मुंबई से सैफी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर फारूक लोखंडे साहब मौजूद हैं. वो आज के सेशन के चेयरपर्सन हैं. इंशाल्लाह सेशन को हमने 90 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड किया है. पहले 10 मिनट्स में हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद मगरिब तक का जो सेशन होगा उसमें हम पैनल डिस्कशन करेंगे जो आज का टॉपिक है मेंटल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. एक्चुअली टॉपिक का नाम कुछ और था, वो मैं इंट्रोडक्शन में बताऊँगा इंशाल्लाह. लेकिन साथ में जो चेयरपर्सन हैं हम उनकी बात पहले सुनेंगे. साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फैज सैयद साहब. एडवोकेट फैज सैयद साहब प्रेसिडेंट है IRC, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के. आपके 2000 से ज़्यादा उर्दू टॉक्स हो चुके हैं. आप एजुकेशन में ज़्यादातर दिलचस्पी रखते हैं. IRC TV इनकी एक हम्बल इनिशिएटिव है
और यहाँ पर जो हम एजुकेशन एक्सपो 2022 में बैठे हैं, इट हैज़ बीन पावर्ड बाय IRC एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट. वी वेलकम बोथ ऑफ यू. साथ में हमारे हैं मिसेज नुजत परवीन मैडम. इनका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में रिसर्च कंप्लीट हुआ है एंड शी इज़ अवेटिंग टू बी ऑनर्ड PhD इंशाल्लाह. नुजत परवीन मैडम का एक्सपीरियंस एक्चुअल में टीचिंग में है. आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा दिलचस्पी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में है. हम आपको वेलकम करते हैं मैडम. तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बढ़ें, मैं फारूक सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने चेयरपर्सन के खिताब से हमको फैज़याब करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. टुडेज़ टॉपिक इज़ कंसर्निंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. मोर सो मैक्सिमम एम्फेसिस वाज़ गिवन ऑन पोस्ट कोविड सिनेरियो ऑफ मेंटल हेल्थ पर्टेनिंग टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. डॉक्टर पैसल ऑल्सो हैज़ जॉइंड अस. वी प्रोसीड फर्दर. मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन कि दिमाग का ठीक हो. ब्रेन इज एन ऑर्गन विच हैज मल्टीपल फंक्शंस एंड द आउटकम ऑफ ब्रेन्स फंक्शन इज असेस्ड बाय टू विजिबली ऑब्जर्वेबल पाल्पेबल एंड एक्सपीरियंसेबल थिंग्स दैट इज नोन एज एक्शन एंड थॉट. नाउ थॉट एंड एक्शंस वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. Similarly, when we think of functions of the brain, there are multiple functions. And one function alone cannot describe functioning of the brain. For example, as I am talking to you, most of us think that this is the ability to speak. No. I am able to speak because those units which help me in making sound, the words, alphabet, sentences, concepts, those entities are all intact. Then there is a separate aspect to it, there is a separate governing body on all of these aspects which coordinates them, which binds them together and then makes it smooth in such a way that we are in a position to speak out a proper, understandable functional sentence, which can be comprehended and acceptable and is acceptable to the person listening to it. Now, one sentence is formed by alphabets, words, sentences, concepts, memory, recent memory, past memory, then the recovery of the memory. Like you must have experienced many a times in your life, but you know certain thing. But at a given time, you are not in a position to put it out in the form of words or express it out in the form of words. It is there in your mind. It is there in your memory. And you know for sure that you know it. But you are not in a position to reconnect it. That the thing which connects recollection and your permanent memory, there is some slowing or there is some defect or delay. So there are many functions of the brain: physical activity, mental activity, speech, sense of smell. Then sense of smell also needs memory. How do we know this is a smell of a rose or a chiku or a dead rat? That is because of our merit, because of our memory. In our memory we know a rat smells like this, a rose you smell like that, and chiku you smell like that. Similarly, when it comes to function has got multiple things. It is concerning with speed of the movements of your muscles, strength of your muscles, and the precise point to point or pinpoint approach of your arms or your legs to a point where you want your arm or the leg to reach.
the pin point location. All this has to be integrated well and totally held by the brain in different form. For example, when I'm opening my hand, simple example, I'm opening the hand. What does it mean? It does not only mean that these muscles at the back of my hand, they are acting and opening the hand. No. This also means the muscles close here above, they are relaxing. That's why I am very smoothly, very simple, and gently doing my activity. If this muscle does not obey and it goes against that activity of the muscles opposite to it, then I instruct it to obey. So, function of the brain is multifaceted, very deeply entrenched. Still, we are working on it. Luckily, one very good device has come in this century. In fact, we can call it the last century, and towards the end of it, wherein mind and matter interface could be established. If a person who is dumb, deaf, cannot move, if he thinks of something, those waves are picked up by machine, and then machine commands a robot or a device implant to perform certain action of that person. So mind and matter interface is now as good as broken. So as more and more artificial intelligence comes into play, those who are deaf and dumb, they also will be able to do practically everything which a normal human being wearing in a very near future. So this is in general telling about what is brain. But the main problem is we tend to forget the very basics of the brain. Just like most of us, I can tell you 99.99% people do not know what is a muscle power and how best to develop it. Do we know that we cannot develop strength of the muscle after the age of 35? Just think, did we know this earlier? 35 is that final age. Before that, you have to work on your muscles to tone it up, to make it more powerful, to make it more strong. After that, it will be downfall. Or you can at the most maintain what you achieved by the age of 35. The reason being, that is the age where maximum hormones play in your body, which make your muscles that much stronger. So, like if I eat 10 kg of biryani daily, will I become a pelvan? No. If I'm eating 10 kg of biryani daily, I must do lots of exercise so as to achieve that much physical strength, so as to digest that and put it to use. If I don't do that, I'll become totally D-shaped person, totally imbalanced, looking very dirty. K2, what we call in local language. So, it is a totally different look for a person who is eating well, but not giving the expected outcome. Similarly, brain has got certain age by which it develops. All of us should make sure that none of the children around, none of the children in our family and around us suffer from any nutritional deficiency in the first 4.5 years of life. Most important. That's the time when brain achieves volume. It becomes voluminous. Like you can say somebody has got a arm of 25 inches. But if somebody has not done any exercises, if he starts doing it at the age of 14, he will never get that 25 inches. Because stone will not develop. Muscle fibers will not be strong enough. And even the volume of the muscle fiber will not be developed. So similarly, volume of the brain, tadankrama, brain, let's say, dimag ka post, post is the right word in Urdu, what you say, the dimag ka post jo hai, ya dimag ka burst to ye, aam fahim, andaaz ba. So the volume of the brain, the tadankrama of the brain develops in first 4.5 years. So that's the time, make sure that nutritional imbalance is not created, one. Secondly, we must tune the brain right from day one of the birth of the child by giving them lots of stimuli, which these people will tell in detail very soon. So these stimuli
ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड इन द वर्म इज हियरिंग. सो व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर, मेक श्योर इन एवरी हाउस वी प्लेयर कुरान, वी प्लेयर सर्टन गुड थिंग्स, इन सर्टन सर्टन गुड थिंग्स, सो दैट हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. With the memory also enhances, and reproduction of the memory, what is memorized, to reproduce that also becomes faster. And secondly, never restrain a child from whatever they are doing during the first 5 years. In today's world, industrial products have come in. We are causing lots of damage to our memory pathway, because finer blood vessels are getting damaged when we eat lot many brain damaging stuff. So what are those is a different ball game altogether. Some next time we'll discuss in detail. Now many more are going to discuss on specific topic. Shall we have that in question answer session now? JazakAllah khair, Dr. Sahab. Dr. Farooq Lokhandi humko bata rahe the about the functioning of the brain aur usko active karne ke liye right day one se bacche ki paidaish se kya kya karna hai. जो दो स्पीकर्स आने वाले थे उसमें डॉक्टर फैसल खिलजी आ चुके हैं और मुनव्वर जमा साहब रास्ते में हैं. फैसल खिलजी साहब हैप्पी फैमिली क्लिनिक चलाते हैं. ही इज़ एक्चुअली MBBS फ्रॉम ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई. साथ ही साथ सर ने MD किया है इन साइकाइट्री फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट. और एक कॉमन कनेक्शन है हमारे दो पैनलिस्ट के बीच में, फारूक लोखंडे साहब और फैसल सर के बीच. ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप रखते हैं. सर, वी वेलकम यू टू द प्रोग्राम. हमने टॉपिक डिसाइड किया था एक्चुअल में मेंटल हेल्थ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लेकिन मशवरे इस तरह से आए कि मेंटल हेल्थ बोलना हमको पसंद नहीं आता है. किसी को पसंद नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ की बात करें. मेंटल वेलबींग सबको चल जाएगा इंशाल्लाह. एक्चुअल में हमारा कंसर्न है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स किस तरह से आज पोस्ट कोविड स्ट्रेसफुल लाइफ निकाल रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पैनल से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग तो आप पैनल से पोस्ट सेशन मगरिब के बाद जो हमारा सेकेंड सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं. तो सर आपकी इजाज़त रही और डॉक्टर साहब तो हम पैनल शुरू करते हैं इंशाल्लाह. Dr. Khilji, when we talk about mental health or mental well-being, what is it that we are actually talking about? ये होता क्या है, mental well-being क्या है? Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mental well-being या mental health, अगर इसको आम फहम जबान में हम समझने की कोशिश करें तो किसी भी शख्स का खुश रहना और अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाना, ये इंसान की मेंटल हेल्थ है. एक मेंटली हेल्दी इंसान खुश खुद भी रहता है, सेटिस्फाइड रहता है और अपने आसपास का जो माहौल है उसे भी खुशगवार बनाता है. ये एक आम फहम जबान है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी इंसान जो होता है, क्योंकि WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. तो मेंटली हेल्दी इंसान जो होता है वो फरीजे जो उसको उसके जिम्मे हैं उनको अदा कर पाता है प्रॉपरली, प्रोडक्टिव होता है और यूजफुल होता है टू द सोसाइटी. लेकिन जैसा सर ने बोला कि मैं एक बात उसमें से ऐड करूँगा कि मेंटल हेल्थ जो है इसके ऊपर बात करना, इस बारे में डिस्कशन करना, ये क्यों लोगों को पसंद नहीं है, क्यों हमारे पास इस पे जो है थोड़ा हम रिजर्व्ड रहते हैं, उसकी वजह ये है कि ये एक सोसाइटी के अंदर एक गलत फहमी है कि हमने बचपन से जो मेंटल वर्ड सुना है तो हम मेंटल हो गया है बोलते हैं, मतलब पागल हो गया है. एक इमेज हमारे पास इस लफ्ज का एक गलत तर्जुमा जो है वो हमारे जहनों में है और ये बहुत बड़े लेवल पे आलमी सतह पे है. तो मेंटल का मतलब होता है माइंड से मुताल्लिक, हमारे जहन से मुताल्लिक.
और मैं नहीं समझता कोई भी शख्स यहाँ पे ऐसा होगा जो अपने जहन को इस्तेमाल ना करे, जो अपने माइंड को यूज ना करे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इन अल्फाज का गलत मफहूम, गलत समझ जो है वो ज़्यादा आम होने की वजह से। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी हेल्थ का, और इसके ऊपर इंसान के सारी प्रोडक्टिविटी, इंसान का लाइफ में सेटिस्फाइड रहना, खुश रहना, ये सारी चीज़ें दारोमदार रखती हैं इंसान की मेंटल हेल्थ। और एक माशरे की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिर पूरा माशरा जो है प्रोडक्टिव होगा, सेटिस्फाइड होगा, माशरे में पीस होगी, है ना, और पूरे मुल्क में और पूरे आलमी सतह पे जो है इसके अच्छे नतीजे आएंगे। इसीलिए मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे टीचर्स और स्टूडेंट्स की हम बात करें तो ये हमारा फ्यूचर है स्टूडेंट्स, और टीचर जो है वो उन स्टूडेंट्स को उन फ्यूचर को जो है शेप करने वाले, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी, जैसा हम अभी आगे डिस्कशन में लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से मेंटल हेल्थ क्या होती है उसके तालुक से बताया, उसमें तो कुछ ऐड नहीं करूँगा, लेकिन जो उन्होंने एक बात बताई कि लोग इसको बुरा मानते हैं, उसके एक दो एग्जांपल छोटे छोटे देता हूँ बस। एक पर्सनल जो है एक वाकया इवेंट है कि मैं कहीं से गुजर रहा था और एक मेंटल क्लिनिक वहाँ था, तो जो साहब वहाँ से निकल रहे थे मेरे पहचान के थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो फ़ौरन बोलने लगा मैं नहीं मैं अच्छा हूँ, मतलब वो दूर से ऐसा रोक के मुझे बोला मैं नहीं मतलब मैं ठीक हूँ। और फिर उन्होंने उस रुमाल था उनके पास, उस रुमाल को ढाटे के ऐसे बांध लिया ताकि कोई उनको पूरा रोड क्रॉस करने तक ना देखे, मतलब इतना उसको वो किया जाता है। सेकेंड बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं या पेरेंट्स आते हैं या खुद वो इंसान आता है, कंप्लेन करता है मुख्तलिफों के बारे में, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग सेशन करवा लो, ये अच्छा होगा। वो कहता है ये छोड़कर बाकी सब मशवरा दीजिए आप, इसलिए मैं अपने आप को समाज में पागल डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तो सर ने जो बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ समझें कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसको टैबू या बुरा ना माने, और वो मेंटल को उस माने में ना ले कि इंसान रिटार्डेड या पागल हो चुका है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी। लेकिन डिस्कशन में जो खुश रहने का जुमला आया है, क्या लेकिन वाकई खुश रहना ज़रूरी है? मतलब बचकाना सवाल है, लेकिन खुश नहीं रहे तो नहीं चलेगा। जी, तो खुश रहने के मफहूम जो है इसके अंदर वो ये है कि जैसा मैंने इसमें बाद में बोला कि इंसान सेटिस्फाइड रहे, मुतमईन रहे, और वो अपनी जिंदगी से अगर मुतमईन है, अपने अतराफ जो चीजें हैं उसके साथ में वो कंफर्टेबल है, और वो स्ट्रेस फील नहीं करता, उसकी वजह से टेंशन फील नहीं करता, तो ये मफहूम है एक मेंटली हेल्दी इंसान का। यानी डिफ़िकल्टीज तो हैं लेकिन स्टिल वो उनको आसानी से और जो है कोप अप कर सकता है। फैज़ भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है कि आज समाज में हम देखते हैं कि झूठ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। अब पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है कि नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं बोलता है, बच्चा झूठ है सच है, do you think people should talk about it? Mental health में अब झूठ को बोलना ये एक mental बीमारी है या नहीं है वो तो सर डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी तरह से mental health को publicly discuss करना क्या ज़रूरी है, और नहीं करने के उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, mental health के तालों से हम उसको discuss करें, कुछ भी issues आते हैं, जैसे कि example सफ़र सर ने अच्छा दिया कि झूठ बोलना बच्चों का, और जनरली ऐसा होता है बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत कम उम्र से बोलते हैं। दो तीन वजूहात जो मैंने स्टडी की अपने लाइफ में देखा, पहला तो बड़ों को झूठ बोलते हैं देखकर झूठ बोलते हैं, और उसके कई लाइव एग्जांपल्स है कि घर में कॉल आ गया, एक लेडी को कॉल आया, घर में उसकी माँ को कॉल आया, समझ लीजिए मदर को, और उसने कॉल फ़ोन उठाकर कहा कि उधर से जो कॉलर है वो उसकी ननंद है, शौहर की बहन है, और वो कहती है कि मैं आज आना चाह रही हूँ, तो फौरन कहती है कि आज नहीं, आज तो हम जो है पिकनिक पे जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, आज दावत है। अब बच्चा ओवर एक्साइटेड, यस दावत, और शाम में आज दावत में जाना है, और माँ फोन रखने के बाद बोलती है आज दावत वावत नहीं, उनको टालने के लिए मैंने ये कहा, और यहाँ से उसके लेक्चर्स और सेशन शुरू हुए झूठ बोलने के। अब जैसे आपने कहा क्या इसको हम डिस्कस करें, तो प्रॉब्लम ये है कि जो झूठ बड़े बोल रहे हैं वही मानने को तैयार नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, तो बच्चों के मामले में हम क्या डिस्कस करेंगे? ये कुछ लोग ऐसे भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे को बहुत ट्रेनिंग दी लेकिन वो नमाज को नहीं आता है, फिर हदीस में है 10 साल के बाद माँ तो उसका क्या मीनिंग लिया जाए? तो बेसिकली उस समाज में क्या बड़े नमाज को जाते हैं पूरे उसके अतराफ है, वो भी तो देखना पड़ेगा,
कोई उठ कर नहीं जा रहा है और उसको आप वो इसको लेके मफहूम में कि 10 साल को मारो, किस सेंस से हमको नहीं बताओ, हम उसको अप्लीकेबल करेंगे या अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा जो है ना फिर बागी बन जाता है। लिहाजा हमको कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, डे टू डे लाइफ में हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर इंश्योरेंस बात करना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल के हल हम निकालते जाएंगे और जैसा अपने बच्चों को चाहते हैं कि बने बड़े होकर शायद हम उसको ऐसा देख पाएंगे। बच्चों के बारे में बात शुरू हुई, नुसरत मैडम जो है इनका रिसर्च डिसलेक्सिया डिसग्राफिया पर ज़्यादा है, तो भाजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर डिसलेक्सिया डिसग्राफिया जैसे जो चीज़ें होती हैं क्या ये फैमिलीज़ में तनाव या स्ट्रेस का रीज़न बन सकते हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपने पूछे तो ये बिल्कुल सही है कि डिसलेक्सिया की वजह से घर में स्ट्रेस हो सकता है। पहले तो क्या है कि जो मैं एक बात पेरेंट्स से और टीचर से बताना चाहती हूँ कि डिसलेक्सिया क्या है ये आप पहले जानिए, समझिए इस चीज़ को कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और वो नहीं पढ़ पा रहा है उसको, तो इसका ये मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो आप पहले उसको समझिए उस चीज़ को। क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये स्लो लर्नर है, इसको नहीं आता है कुछ भी पढ़ना, ये इसको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसका आईक्यू लेवल कम है, इस तरह से उसको साइड में रख देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है पढ़ाई में और वो बिल्कुल भी उसका एकेडमिक अचीवमेंट लो हो जाता है और वो पढ़ाई से दूर होता चला जाता है। उसका रीज़न हम ढूंढते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर कंप्लेंट्स घर पर जाती है बार बार, और घर जाने के बाद फिर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, पेरेंट्स को लगता कि हमारा बच्चा तो एक्टिव है, उसका आईक्यू लेवल भी नॉर्मल है, घर में तो बहुत अच्छा करता है, ये हर एक्टिविटी में आगे रहता है और शरारतें भी बहुत करता है, लॉजिक भी अच्छा है उसका, तो फिर ये पढ़ने में क्यों स्लो है। कंप्लेंट जब आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, और वहीं से क्या होती है फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते, और जब बच्चा आगे जाके क्या होता कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फील करता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल उसकी बढ़ जाती, तब फिर हमको पता चलता है कि उसको कुछ मसला है। फिर वहाँ पे क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते। एक स्टूडेंट का मेरे पास केस आया था कि उसको शुरू में मतलब उन्होंने देखे नहीं और इनफैक्ट उसका आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि उसको डिसलेक्सिया है, और उसके पेरेंट्स में जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से क्या हो उसके साथ में मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था उसकी मम्मी को रहने लगा, क्योंकि कंपेरिजन होने लगा कि दूसरे बच्चे अच्छा पढ़ते, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, आपका बच्चा पीछे। फिर धीरे धीरे क्या किया उसको कि स्कूल से कंप्लेन ज़्यादा आने की वजह से स्कूल से बिठा दिए बच्चे को, और फिर उसके बाद से बच्चा आइसोलेट रहने लगा, और फिर उसका सारा टेंशन प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर आ गया, क्योंकि माँ बाप में लड़ाई झगड़े होने लगे कि तुम मतलब जो हस्बैंड है वह उनकी वाइफ को ब्लेम कर रहे कि आप ध्यान नहीं देते, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसको पता चले कि बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर नहीं देखे सभी ने, उसमें एक बच्चे का केस बताए थे कि उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है कि अगर आप बच्चे को रीडिंग डिफिकल्टी है, वो पढ़ नहीं पा रहा है और उसको कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको एक बात को एक से ज़्यादा मतलब उसे बताना पड़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में बच्चा वीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ लर्निंग डिफिकल्टी है। तो वहाँ पर आप बच्चे के ऊपर स्ट्रेस मत डालिए, बच्चे को बर्डन मत कीजिए कि आप ट्यूशन लगा देते कि नहीं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या होता है बच्चे को फोर्स किया जाता है कि आप पढ़ो, तो इस तरह से नहीं करना है। उसके लिए आप बहुत सारे मतलब सिम्टम्स भी मैं बताऊँगी अभी आगे, और उसके बाद जो है तो टीचर्स का क्या रोल है और पेरेंट्स का क्या रोल है ये बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अब बाजी ने सिम्टम्स छेड़ ही दिए हैं सिम्टम्स के तार, तो बाजी हमको ये बताइए क्योंकि ऑडियंस में मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, बच्चों के ये डिसेबिलिटीज़ के सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो अर्ली एज में ही इसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि अभी एक रिसर्च हुई थी प्री स्कूलर्स डिसलेक्सिक चिल्ड्रन के ऊपर, तो जो प्री स्कूलर्स है वो बहुत हैप्पी रहते, खुश रहते और वेल एडजस्टेड है अपने फैमिली में, लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाने के बाद उनके ऊपर क्या होता है कि वो ठीक तरह से कोपअप नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पाते, खासतौर पर रीडिंग डिफिकल्टी अगर बच्चों को है और वो बिल्कुल भी स्पेलिंग उसको याद नहीं रहती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग का भी प्रॉब्लम है और दूसरी चीज़ों में वो एकदम नॉर्मल है,
तब हमको समझ में आता है कि यस उसको डिसलेक्सिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका इस सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अलग से हम इसको लेकर जो है तो स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बन जाती है ना वो टीचर्स की, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के जो पांच एस्पेक्ट्स होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। और जनरली सबको पता है, टीचर्स पेरेंट्स में भी, कि हमारी क्लास में थ्री टाइप्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिलो एवरेज चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन एंड अबव एवरेज चिल्ड्रन। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि जो है तो एवरेज चाइल्ड को हम कंसिडर करते हैं और लेके चलते, जो 10% चिल्ड्रन रह जाते हैं बिलो एवरेज, तो उसमें हमारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड है। तो अगर ये बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, और अक्सर देखिए डिसलेक्सिक चिल्ड्रन को एक सिम्टम जो होता है तो वह मिसकंसेप्शन होता है, उनको कैपिटल वर्ड का यूज करना नहीं आता है, पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है उनको, ग्रामर का प्रॉब्लम होता है उनको। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो अगर आपने बी प्रोनाउंस किया तो वो डी सुनेंगे, और बच्चों को सबसे ज़्यादा और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम, जैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, कैलेंडर में ठीक तरह से देख नहीं पाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनको टाइम देखना सिखाते हैं, घर में भी होता है ये प्रोसेस, लेकिन जब आप बच्चों को पूछेंगे तो उनको कन्फ्यूजन होता है। इवन जैसे हमारे पास सुबह का वक्त है, दोपहर है, शाम है, इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उनको टाइम में भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा वक्त है, कौन सा मतलब ये स्कूल कितने बजे छूटना चाहिए, कितने बजे हमने जाना चाहिए, तो इसमें उनको कन्फ्यूजन रहता है, डायरेक्शन ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, लिखने में भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या होता है, अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर प्रॉब्लम भी उनको होता है, और साथ साथ में फिर वो क्या करते हैं, अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो आइसोलेट रहना शुरू करते। जैसे कि मैं क्लासेस में जा रही थी डाटा कलेक्शन के लिए, जब मैं गई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे देखने को मिले कि वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे, आइसोलेट रहते, कोने में बैठेंगे, अगर उनको कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो खौफ उनके चेहरे पे आ जाता कि अब अगर मैं नहीं लिख पाया तो सब मेरा मजाक उड़ेंगे और मुझे नहीं आएगा। और इस सिचुएशन में फिर वो क्या करते, फरार चाहते, बाहर जाना चाहते हैं यहाँ से, कि नहीं हमको नहीं आता है और हम नहीं करना चाहते। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं डिसलेक्सिक में जिसको हम गिफ्टेड भी बोलेंगे, कि वो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन कुछ उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलने की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने अच्छी तरह से मतलब कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर आइसोलेटेड हैं, बैक बेंचर्स भी होते हैं हमारे पास, पीछे बैठ जाते हैं, आंसर नहीं देते और रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो मतलब आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। और अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप किसी, पहले तो आपने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, इसके अलावा पेरेंट्स के बाद में फिर आपने भी कुछ इनिशिएटिव लेना है, रेमिडियल टीचिंग वगैरह बच्चों को दे सकते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कीजिए स्टूडेंट्स को और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बाजी लेकिन जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ज़रिए फैमिलीज़ में, स्कूल में, स्टूडेंट लाइफ में क्या ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बाजी, आपने बहुत अच्छे से तफसील से सारी चीज़ें बयान की। डिसलेक्सिया के लिए जैसा का हमारा क्वेश्चन है कि इससे क्या फैमिली में, स्कूल में, लर्निंग में स्ट्रेस डेवलप होता है, तो यकीनन इससे काफ़ी स्ट्रेस डेवलप होता है। पहली चीज़ तो बच्चे को काफ़ी स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो अपनी क्लास में जब कंपेयर करता है, देखता है कि दूसरे बच्चे जो है वो उतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनकी नोटबुक्स कंप्लीट हैं, उनकी रीडिंग अच्छी है, उनको मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो बच्चा जो है वह एहसास कमतरी में जाता है। डरे नहीं समझ पाते, पेरेंट्स नहीं समझ पाते, टीचर्स नहीं समझ पाते क्या रीज़न है, बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो वो बेचारा बच्चा तो क्या समझेगा कि क्या रीज़न है, तो वह एहसास कमतरी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। फैमिलीज में इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स ऐसा बताया बाजी ने भी कि पेरेंट्स के अंदर आपस में इसकी वजह से क्वारल होगी, टीचर्स में और पेरेंट्स के बीच में जो है नाइतफाकी होगी, पेरेंट्स जो है वो टीचर्स को ब्लेम करेंगे कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे को, और ये सब चीज़ें ज़्यादा कमज़ाहिर होती है। जैसा इन्होंने बताया कि जब प्री स्कूल है, जो ये नर्सरी, LKG, HKG है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ओरल से काम चल जाता है, बच्चे जो है वो ज़बानी बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, तो वहाँ ये पिक नहीं होता है, लेकिन जहाँ राइटिंग के का मामला आता है, रीडिंग का मामला आता है, कैलकुलेशन एक्चुअली करने का फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, तो वैसे वैसे ग्रेड्स बढ़ते हैं, ये बच्चे जो है वो ज़ाहिर होने लगते हैं,
और इनके जो है ग्रेड्स नीचे जाने लगते हैं। तो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, हमारा बच्चा नर्सरी में इतने अच्छे मार्क्स लाता था, केजी में अच्छा आता था, अभी ये स्कूल में डाला जब से फर्स्ट में सेकंड में ऐसा होने लग गया, पहले रैंक लाता था। तो ये जो है ना, इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक है, और इन जनरल जो मेंटल हेल्थ है, इसके अंदर कई सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक डिसलेक्सिया है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज है, या ADHD है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उनका फोकस नहीं होता है, इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, इस वजह से जो है पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, आपको, हमको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको पता होना चाहिए, ताकि इनको बच्चों को हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए और सभी इनकी ट्रेनिंग हो पाए और इनकी हेल्प हो पाए, ताकि बहुत सारा जो स्ट्रेस है सोसाइटी में, स्कूल्स में, पेरेंट्स में, फैमिलीज में, वो हम मैनेज कर सकें। आप सब जानते हैं, अगर सर दुखे तो एक आधी टैबलेट खा लेते हैं। मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो हम मुंह छुपाते पड़ते हैं। फैज भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या रिलीजियसली कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमको बताती है कि नहीं, कोई भी तरह के डिसीज हो आप हेल्प सीक कर सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की, इस तरह से मेरा आपसे सवाल है। देखिए, जो क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसे सिचुएशन में हेल्प ले सकते हैं या बता सकते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक्स है। स्पेशली अगर मेंटल हेल्थ की आप बात करें तो शरीयत जिन बुनियादों पर बनी है उसमें जो है जो फिका होता है, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मदारिस में, उनको पढ़ाया जाता है मकासिदुश्शरिया। शरीयत जब कोई अहकाम जारी करती है तो उसका मकसद क्या होता है, क्यों वो अहकाम होता है। दोस्तों, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स तो पूरे अहकाम होते हैं, जितने आप देख रहे हैं कि सूद हम नहीं खाएंगे, रिश्वत हम नहीं लेंगे, नशा हराम है, जितने उसके पीछे बेस है कुछ, या फिर जो है जीना हराम है, फुला फला उसका बेस है। उसका बेस है दीन की हिफाजत, दूसरा बेस है अकल की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, ये 5 बेसिस से पूरी शरीयत के अहकाम टिके हैं। तो दूसरा बेस है अकल की हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ द अकल माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शराब हराम है, इसीलिए नशा हराम है, और हर वो चीज़ जो इसमें इंडल्ज कर दी, जैसे म्यूजिक भी होता है वो भी हराम है। तो ये तो उसका मकसद ही है। अब अगर उसमें कोई इलनेस है, उसमें कोई बीमारी है, तो बताना बेहद ज़रूरी हो गया। ठीक, इसी तरह और बहुत सारे आप चीज़ें देख सकते हैं। शरीयत ने अकल जहाँ आती है, माइंड जहाँ आता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए बात की, उसके लिए अहकाम जारी किए और उस पर बात की। तो बहरहाल ये बहुत अहम है, और मैं गुजारिश यही करूँगा जो लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। ताकि बात आ रही कि अगर कोई बीमार हो सर्दों के तो गोली खा लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरह से हो, मेंटल इलनेस हो, या इंसान डिप्रेस हो, या इंसान परेशान हो, या ज़हनी तनाव जिसको बोलते, याद रखें तो यहाँ हम लोग डर जाते हैं। और कभी इसकी काउंसलिंग या वो लोग जो इस फील्ड में माहिर हैं उनके पास जा रहे हैं, कोई बहुत समझता हूँ ऐसा नहीं है। याद रखिए, अक्ल का सही होना ये पूरे दीन और शरीयत के अहकाम पर अमल करने के लिए नहीं ज़रूरी। एक आदमी अगर परेशान होगा मेंटली तो वो क्या इबादत करेगा। अम्बियों जो देखिए, सबसे जिसको कहेंगे दुनिया के अतबार से इतनी तकलीफ दी है, वर्स्ट सिनारियो से गुजर रहे हैं, मतलब जिस आदमी उसको बोलता है मैं लो जा रहा है, डाउन जा रहा है लाइफ में, वह सबसे ज़्यादा खुश थे। क्यों? मेंटल हेल्थ, वह बिल्कुल मुतमइन थे कि अल्लाह की मदद आने वाली, मैं जो काम कर रहा हूँ सही काम कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोग जो मेरे साथ करना है वो करेंगे, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। वेरली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, और ख़ासतौर से वो लोग जिसे महारत रखते हैं उनके पास जाए, लोग मशवरा लें, वरना ऐसी चीज़ों में लोग आकर किसी से भी मशवरा लेते हैं और उनकी फील्ड के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते सिर्फ एक डर की वजह से। तो रिक्वेस्ट ये करूँगा, जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को डिस्कस करना भी चाहिए। ये इस पे एक मुझे एक स्टडी याद आ गई, ये जो यूनिसेफ है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो चिल्ड्रन के लिए जो उनका प्रोग्राम है, तो इन्होंने एक सर्वे किया था 21 नेशंस का, कि जो यंग लोग हैं, स्पेशली टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, तो ये अपने मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए हेल्प सीख करने में जो है क्या रेशो है, क्या परसेंटेज है जो वाकई किसी से जाके ये मशवरा लेते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो सारी कंट्रीज़ का, 20 कंट्रीज़ का जो एवरेज था वो 83% था, 83% का लोग जो है वो हेल्प सीख करते थे। लेकिन इंडिया जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर वो एवरेज 41% था। तो इससे समझ में आता है कि कितना सिग्निफिकेंट गैप है मदद हासिल करने में। अब जब मदद हासिल करने में हम इतना पीछे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम से जूझने और इन प्रॉब्लम से स्ट्रगल करने में हम लोग कितना आगे होंगे, ये से समझ सकते। लेकिन सर बाजी, अगर आप इस पर, आपका जो स्टडी था,
उसके बारे में अगर आप बताएं कि पेरेंट्स को फिर कन्विंस आपने किया कैसे, या पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि अगर बच्चे को इस तरह से कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, तो उसमें कन्विंस कैसे किया जाए? देखिए, अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो आप सबसे पहले जो बात है तो अवेयरनेस है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उसको पहचानिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है एक्सेप्टेंस। हमारे माशरे में सबसे जो बुरी बात है वो हम कबूल नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ है या हमारे बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है। बहुत सारे, मतलब इवन मेरे डाटा कलेक्शन में जो मुझे एक्सपीरियंस आया कि पहले मैंने स्क्रीनिंग की थी बच्चों की जो डिसलेक्सिक चिल्ड्रन है, उसके बाद उनको सेपरेट करके उनकी क्रिएटिविटी मुझे चेक करना था। तो जैसे ही मैंने सब डिसलेक्सिक चिल्ड्रन को अलग रूम में लेके गए टेस्ट लेने के लिए, तब एक लेडी आई मेरे पास और वो झगड़ा करने लगी डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि आप सारे, मतलब स्लो लर्नर से सारे बच्चे जो डल है, जो पढ़ने में भी है, उनको अलग लेके आप क्या करें, और आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, समझाई, लेकिन पहले उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए कि नहीं, हमारा बच्चा एकदम नॉर्मल है, घर पर बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ जो है, तो हमें इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमारे बच्चे को कुछ मसला है। क्यों कि हमारे बच्चे अगर डिसेबिलिटी है और हम उसको फोर्स कर रहे, तो बच्चा बहुत सख्त तकलीफ से गुजर रहा है, मैं बता नहीं सकता, बच्चे को खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो हमने इस बात का, मतलब खासतौर पर पेरेंट्स ने इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमारे बच्चे को मसला है। और कबूल करने के बाद एक चीज़ जो है हमारा फियर है, जो खौफ है हमारा, वो निकाल देना है दिन से। हम जैसे ही पता चला कि हमारे बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो पेरेंट्स डर जाते कि अब हमारे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। अब हमने तो इतने सारे सपने देखे थे, इतने सारे ख्वाब देखे थे कि बच्चा बड़ा है तो ये बनेगा, हमारा सपोर्ट बनेगा, ये करेंगे बड़ा होकर, लेकिन अब उसमें तो ये डिफेक्ट आ गया, अब क्या करेंगे। तो इस तरह से नहीं सोचना है, आपको लगता कि हमारे बच्चे में डिफिकल्ट, ये बहुत बड़ा, मतलब एक बच्चा हमारा समाज से अलग हो गया और बहुत ज़्यादा कमतर है हमारा बच्चा, तो अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे और हम सिचुएशन नहीं बदल सकते। तो ये ज़हनियत बदली आप, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स है, कई सारी हस्तियाँ ऐसी हमारे सामने जो बचपन में लर्निंग डिसेबल थे, लेकिन वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि हमको पता है कि अल्लाह ताला ने सभी में कुछ ना कुछ सलाहियतें छुपा रखी है, कोई किसी में कम है, कोई किसी में ज़्यादा है। तो उन छुपी हुई सलाहियतों को बाहर आने के लिए, उनको निकालने के लिए हमें क्या करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है बच्चों को, और इसके ज़रिए से भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इस तकलीफ से दूर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जो डिसेबिलिटीज़ है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकते, लेकिन उसके सिम्टम्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, और बच्चे के अंदर जो दूसरी छुपी हुई सलाहियत है उसको बाहर ला सकते हैं। तो पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उनको जो है तो आगे बढ़ने का मौका दो, सपोर्टिव बने वहाँ जाके कि हाँ, हमारे बच्चे को ये मसला है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आइंस्टाइन की बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने, वो भी बचपन में डिसलेक्सिक थे, आपने उनकी स्टोरी भी सुना होंगे। जब उन्होंने स्कूल गए थे तो कुछ दिनों तक जाने के बाद जैसे वो बड़ी क्लास में गए, तो प्रिंसिपल का एक लेटर आया उनकी मदर को, और उसके बाद नेक्स्ट डे से बच्चे का स्कूल जाना बंद हो गया। तो उन्होंने उनके मम्मी को पूछे कि आखिर क्या बात है, मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे। तो पता चला उनकी मम्मी ने बोले कि मुझे प्रिंसिपल ने बोले कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या इतने एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है उसे पढ़ाने के लिए, तो आप आपके बच्चे को किसी और स्कूल में डालें, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन में आपको दूसरे स्कूल में नहीं डाल सकती, लेकिन आपकी तरबियत मैं करूँगी। तो उनके मम्मी ने उनको घर में पढ़ाए, उन्होंने हर साल सिलेबस खरीदे, बस इतना था कि बच्चे का फॉर्मल एग्जाम नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन जब वो कम्प्लीटली एजुकेशन उनका हो गया और उन्होंने जब दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करे, तो काफ़ी, मतलब वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल साबित हुए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दुनिया खुदी। और जब उनकी मदर के डेथ होने के बाद एक मतलब वो कमेंट साफ कर दी, तो उनको लेटर मिला, उन्होंने लेटर खोल के देखे, प्रिंसिपल के हाथ से लिखा हुआ था। तो उसमें ये लिखा था कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर है और इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता है, और ऐसे डल बच्चों को हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तब वो पढ़े देखे कि उनकी मदर ने कितना ग्रेट काम करके चले गए थे, कि इतना, मतलब बच्चे को मैंने सपोर्ट करो, मोटिवेट करे। तो हम हमारे बच्चों के जहन में ये बात हरगिज बताने दो कि वो डिसेबल है, उसको नहीं आता है। वहाँ से क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता, पिछड़ा होने लगता, उसका इंटरेस्ट खत्म होता। इवन पेरेंट्स को पता चलने के बाद पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट खत्म होता, फिर उनको लगता कि हम क्यों इन्वेस्ट करना है बच्चों के ऊपर, जब ये कुछ कर नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ सकता है, पर लर्निंग डिसेबल है, तो फिर वो क्या होता है, ध्यान देना कम करते। तो इस तरह से नहीं है, हर
हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें, और खास तौर पे जो डिसलेक्सिक चिल्ड्रन है उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तख्लीकी सलाहियत उनके अंदर मौजूद है और बहुत ज़्यादा मिलता है। जो मेरे रिसर्च में बात सामने आई कि जो बच्चे डिसलेक्सिक चिल्ड्रन ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उनको मौका दीजिए आप आगे बढ़ने को, अपने अंदर से खौफ को निकालिए, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए अपने चाइल्ड का कि हाँ हमारे बच्चा दूसरे बच्चे से कम है, और हमें इस तरह से अपने बच्चे के लिए जो है तो गिल्टी फील होता कि अब सब जो है तो अच्छे, सबके बच्चे आगे बढ़े, उनका रैंक अच्छा आ गया, उनके अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चे का अकेडमिक अचीवमेंट एकदम बढ़े, इस तरह से आप डिप्रेशन में मत जाइए और बच्चे को हर जगह सपोर्ट कीजिए, और उसके लिए कुछ अलग टीचिंग का इंतजाम कीजिए। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, और उसके साथ साथ उसको ट्रीटमेंट डिफरेंट दे सकते हैं। उसके अलावा जो स्कूल में भी जो एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से रेमिडियल टीचिंग दी जानी चाहिए ऐसे बच्चों को, जो स्टूडेंट है हमारे पास बिलो एवरेज में, जैसे मैंने बताया कि 10% स्टूडेंट है, उनके लिए एक स्पेशल लेक्चर का आप अरेंजमेंट करो, और अगर नहीं कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स ने भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें कि और उसकी सलाहियतों को जानने की कोशिश करें कि कौन सी सलाहियत है जो ज़्यादा मौजूद है उसके अंदर, उसको बाहर लाने के लिए हम कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोविजन्स हैं इसमें कि जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, स्कूल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी अभी और उसका इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है, तो उसमें भी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए यही बताया गया है कि उनके लिए एक प्रोफेशनल स्किल्स का कुछ इंतजाम स्कूल में होना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। अगर वो बच्चे मैथ्स में वीक है तो मैथ्स के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको दिया जाना चाहिए, मैथ्स का पेपर 2 स्किप करके उनके लिए कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऐसा रखा जिसके जरिए से वो कुछ हुनर सीख सके, उनके अंदर जैसा इंटरेस्ट के मुताबिक वो कोई ऐसे स्किल्स सीखे जो उनको उनके फ्यूचर में काम आए, तो इस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को। जी भाजी, थैंक यू मच। फैज भी, डिस्कशन में जो एक वर्ड आया है डम्ब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इस तरह से लेबलिंग अगर हो जाए, मिसाल के तौर पर अब हम पेरेंट्स को तो कन्विंस कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ डिफिकल्टी है, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन क्या ये क्लासरूम के अंदर या स्कूल एटमॉस्फेयर में बच्चे को लेबलिंग नहीं होगी, और अगर होती है तो फिर इसका सलूशन कैसा निकालें? देखिए, एक कॉमन चीज़ है जो कि यहाँ टीचर्स भी बताते हैं और बार बार मैं लेक्चर्स में ये बात मैं कहता भी रहता हूँ कि आप किसी भी शख्स को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, शरीयत के बाद से लेबल नहीं कर सकते, कोई नाम उसको दे नहीं सकते, जैसा कि ये तो डम है, डल है, मतलब स्लो है, स्लो इस सेंस में कि आप उस पर सरकैज़म, मतलब एक कमेंट पास कर रहे हैं बुरा, उस सेंस में यहाँ ये बताने के लिए कोई आदमी स्लो भागता है एक अलग बात, या स्लो बात करता है एक अलग बात। इस तरह के जब कमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं तो वो बचपन में उनका एक तो पढ़ाई से ध्यान दूर हो जाता है, और ये एक अच्छे टीचर की अलामत भी नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं आता क्योंकि वह इस तरह से करें। लेकिन जनरली ये होता है, जो सिस्टम से मैंने ही पढ़ा, स्कूलिंग मेरी जैसी हुई, तो वो सिस्टम्स में ऐसे ही होता था, मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या वो 10 बच्चे होते हैं स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो टीचर के अतराफ रहते हैं, या वो कभी कभार फ्रंट बेंचेस से बैठते हैं, फिर वो होते हैं जो बैक बेंचेस होते हैं, याद रखें, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इसको टीचर इस बात को अगर समझता है और अगर प्रैक्टिकल देखता है, इसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स का हो गया होगा, वो देख सकता है कि जिन बच्चों को आपने जो ये सोचा था कि डल है वो आपके MLA बने बाद में, जो डल और स्लो है वो आपके काउंसलर्स बन कर आए आपके सामने, जिसको आपने डल और स्लो कहा वो कम्युनिटी को लीड कर रहा है, जिसको आपने समझा कि ये सिर्फ मजाक करता है, मस्ती करता है, हंगामे करता है, वो इवेंट मैनेजर्स बन गए और बड़े बड़े चीज़ें करा रहे हैं शहर के अंदर। तो आप देखिए, मतलब तो जहाँ प्रैक्टिकली देखा जाए, जिन बच्चों को आपने डम और डल कहा, बाद में 20 साल बाद तो आप झूठी हो गए उस मामले में साबित। तो मेरा बोलना ये है कि शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे निकनेम्स, ऐसे बुरे नाम किसी बच्चे को, तो खासतौर से बड़े फिर भी हम लोग समझते हैं, लेकिन बच्चे जो है बहुत मासूम होते हैं, वो नहीं देना चाहिए। उससे ये होता है कि फिर वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाते प्रॉपरली, फिर लोग उसी नाम से उसको पुकारते हैं, और ये कॉमन फिनोमेना हमारे फैमिलीज में मैंने जो देखा है कि लोग इवन मेहमान आए तो ऐसा करते हैं, बेटा आओ इधर आओ, ये मेरा मेरिट है, और बेटा बैठो इधर, ओ फेलियर, तुम कहाँ भाग रहे, तुम भी इधर आओ, मुँह दिखा के चल जाओ पेरेंट्स को, ये नो फेल हो जाते हैं, 2-3 लाइन रेड लाते हैं अपने इसमें। अब जब ऐसे कैटेगराइजेशन करेंगे बच्चों के अंदर, तो फिर देखिए जो लोग अच्छा पढ़ते हैं उनको बुरा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात भी आप देखेंगे कि वालदैन की खिदमत में भी ऐसे बच्चे ज़्यादा आगे रहे हैं आखिर वक्त तक उनके ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अच्छा पढ़े, एवरेज इसका अगर स्टडी करें आप,
हमेशा खिदमत में लगे रहे अपने वालिदैन की, हमेशा उन्होंने एक हो सकता लिटरेट उतने ना हुए लेकिन बहुत एजुकेटेड थे अपने लाइफ में, समझते थे चीज़ों को। लिहाजा गुजारिश यही होंगी कि इस तरह के लेबल्स बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेबलिंग स्ट्रेस ये तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ का क्रेज बढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर मुझे आईफोन चाहिए, मैंने 12th पास कर लिया है, मुझे फला गाड़ी चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो इसका जो मसला है क्या ये भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल गुजारना या वो गुजारने की कोशिश करने में इंसान स्ट्रेस में जा सकता? जी बहुत अहम बात आपने डिस्कशन के लिए लाई है, और ये तो हम सबका मुशाहिदा है कि जितना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर हम उनकी लाइफ को देखें या हमारे और जो बुजुर्ग हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पास मादी चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमसे बहुत कम थी। उनमें से तो जो अक्सर लोग थे उनके पास ना जो है मोटरसाइकिल थी, ना कार थी, ना मोबाइल फ़ोन था, ना लैपटॉप था, आईफोन, ये सब चीज़ें वो जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेंटली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे, बहुत सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारे, बहुत अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजारते थे, ये हम सब देखते हैं। और ये चीज़ जितनी मटेरियलिस्टिक दुनिया बनती जा रही है, जितने हम मादी बनते जा रहे हैं, यानी हम अपनी खुशी और कामयाबी का पैमाना किसको बनाते हैं? एक मटेरियलिस्टिक इंसान कौन होता है? जो चीज़ों से अपनी खुशी और कामयाबी का जो है गिनता है, मेरे पास इतने पैसे हैं और उसके पास उतने पैसे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा कामयाब है, मेरे पास उससे कम पैसे हैं मैं कम कामयाब हूँ या मैं नाकाम हूँ। मैं अक्सर सुनता हूँ मेरे पेशेंट्स को बोलते हुए कि तुम्हें क्या स्ट्रेस है, तो बोलते हैं कि मैं बहुत पीछे रह गया, मेरे दोस्त बहुत आगे चले गए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई किस चीज़ में आगे चलेंगे, पर उन लोगों के पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत दुनिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जितना हम ये मादी चीज़ों के पीछे पड़ रहे हैं उतना ही हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक बहुत इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेसिक। आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले लोग हैं, आपको हैरत होगी, वो किसी अफ्रीकन मुल्क में नहीं है, किसी गरीब जो है एशियन मुल्क में नहीं है, वो सारे अल्ट्रा डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग वो हैं जो टॉप इनकम कंट्रीज़ हैं, है ना, जैसे स्वीडन है, जापान है, अमेरिका है, जहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी चीज़ें हैं, इतने वसाइल हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे आम मिडिल क्लास जो है जो इंडियन की अगर बात करें तो वो उसकी पहुंच के बाहर है, लेकिन फिर भी वो लोग सुसाइड करते हैं। इतनी सुसाइड्स होती हैं वहाँ पे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, कॉरपोरेशन जो है, उसने सुसाइड जोन बना दिए। लोग कहीं भी कूद के मर जा रहे थे, कुछ भी कर ले रहे थे, तो बहुत न्यूसेंस हो रहा था, उनकी डेड बॉडीज में बहुत स्मेल आ रही थी, उससे बहुत इशू हो रहा था, तो उन्होंने जगह बता दी वो सुसाइड पॉइंट है, यहाँ जाके सुसाइड कर लो, आपकी बॉडी को वहाँ से उठा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माध्य जो है वो इंसान को मेंटली वो है सीवियरली डिप्रेस करती है, मेंटल हेल्थ ख़राब करती है और सुसाइड उसका एंड होता है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम वैल्यू बेस्ड हाँ बने, हमारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं, है ना, हमारे अंदर जो है कितनी बड़ी दौलतें हैं हमारे अंदर, हमारे पास ईमान है, हमारे पास समझ है दीन की, हमारे पास हमारे वालिदैन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, एक सोसाइटी है, एक कल्चर है हमारे पास, एक तहजीब है, कितनी चीज़ें हैं हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, हमारे जिस्म पर हम शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने कितना जो है नायाब जिस्म हमको अता फरमाया। तो अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें जो हमारे पास है, अल्लाह ने दी है हमको, फ्री में मिली है लेकिन बेशकीमती है, कोई अगर हमारी आँख ले ले और हमको अरबों रुपये दे दे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम ये शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ, मादियत से हट जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम सबकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अच्छे से जो है डेवलप कर सकते हैं, हम अच्छी रख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, सुसाइड करने के लिए स्पेशल जोन है। लेकिन जो मैसेज है शुक्र गुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ग्रैटिट्यूड को मैं समझता हूँ सर वो एक बहुत बड़ी स्किल भी है, कि वो स्किल बच्चों में आनी चाहिए। बहरहाल सवाल शुरू हुआ था मेरा आईफोन से, तो आईफोन को बात आगे बढ़ाते हैं। फैज़ भाई, जैसा मोबाइल का एडिक्शन या मोबाइल का यूसेज इतना बढ़ चुका है, नॉट जस्ट इन स्टूडेंट्स,
टीनेजर्स भी नहीं, पेरेंट्स भी एक लेवल पर आती है, बच्चे अपनी जगह उससे लेकर आती है। अब पहला सवाल, क्या ये स्ट्रेसफुल माहौल घर में क्रिएट कर सकता है? दूसरा सवाल, इसका डी एडिक्शन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? देखिए, जो मोबाइल वगैरह जिसको कहेंगे स्क्रीन टाइम एडिक्ट जिसको कहेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के स्क्रीन हो, पहले टीवी हुआ करता था सिर्फ एक स्क्रीन, लेकिन अभी कई स्क्रीन के टाइप होते हैं हर जगह, और उसके एडिक्शन के प्रॉब्लम ये है कि वाकई में लोग डिप्रेस हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, और बच्चों में ये आदत बाद में आती है, पहले ही बड़ों से शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए किसी खास इंसान से खिताब नहीं कर रहा हूँ, आप जा रहे हैं और उस ट्रैवलिंग में आपको ये ज़्यादा फिक्र है कि दूसरे क्या देख रहे हैं इसको, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद का इन्जॉयमेंट दूर है, ये सीन अच्छा है वहाँ भेजना है, ये सीन आपके जी ना उसको नहीं, बच्चे आपके बैठे कार में दो तरह मम्मी पापा हैं आगे, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं, और उनको इसकी ज़्यादा फिक्र है कि रास्ते में क्या क्या दिख रहा है, खुद देखते नहीं दूसरों को दिखाना है, मतलब हर आदमी कैमरामैन बना हुआ है और वो दूसरों को दिखाना चाहता है हर चीज़, यही चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वालिदा भी फ़ोन पे लगी है, वालिद साहब भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, लैपटॉप्स बोलिए जिस भी तरह के स्क्रीन्स पे लगे हैं, तो वहाँ से वह भी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करता है। और ये एक जनरल बात है, आपने देखा होगा आज से 10-20 साल पहले जब आप घर आते होंगे तो बच्चा पहला कौन सी चीज़ आपसे डिमांड करता था जो आपके पास थी, वो थी गाड़ी की चाबी, वो ले लेता था आपसे, क्योंकि हमेशा सुनता था चाबी उठा के रखो, चाबी सही जगह होना, चाबी घूम गई मेरी चाबी नहीं मिलती, बोला चाह दूँ आ जाती करता आपसे वो मोबाइल फ़ोन, अगर आपने किसी दिन आया और कहा फ़ोन ख़राब था बनने दिया तो बोलते आप भी चल जाओ क्यों आए, आप कल फ़ोन लेके आते ज़्यादा बेहतर होता, तो इससे वाकई में एक माहौल बनता है डिप्रेशन वाला और वाकई में लोग परेशान होते हैं, और बड़ों में ये बढ़ चुका है और लोगों ने इसको अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया कि मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, ये जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं कोई इससे एक्सेप्शनल नहीं है, कोई भी बच्चा डायपर भी इसके बगैर नहीं बदलता जब तक मोबाइल उसके हाथ में नहीं दिया गया, बिल्कुल मतलब मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, ये उसी घर का बच्चा कर रहे होंगे चेंज जो या तो खाली बनता है या तो उसके वालदैन के पास स्मार्टफोन नहीं है, बस इतना बोल सकता हूँ, और खाना भी इसके बगैर नहीं खाता हूँ, और उसके लिए भी बेल्ट सागर यहाँ लगाते हैं और उसको यहाँ फ़ोन अटका देते हैं चलाते हैं उसको, और ये सब चीज़ें बोली, तो वाकई में इससे बहुत स्ट्रेस लग थी इंसान की और इंसान इसे बहुत ज़्यादा परेशान होता था, फर्स्ट वालदैन इसके लिए वो करें, सेकेंड इसका डी एडिक्शन क्या होता मैं समझता हूँ, यहाँ दो डॉक्टर हैं वही मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज बताएंगे, तो मुझे भी सीख नहीं तो बनेगा इसके लिए वाकई में किया क्या जाए, क्योंकि मैं सोल्यूशन मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन दो तो लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ लोग तो बोलते हैं तो पुराना हो गया कुछ नया दीजिए, मतलब वो तो इस चीज़ को ऐसे इस्लामिक कोई गाइडलाइन है ही नहीं मान रहे, वो डॉक्टर्स मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इससे मशवरा देंगे। जी बहुत अहम और बहुत बर्निंग इशू है स्क्रीन एडिक्शन, सबसे पहले तो इस बात को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि ये भी एडिक्शन, तो जो एडिक्शन की डेफिनेशन है पहले हम ये समझें कि एडिक्शन कहते किसको हैं, एडिक्शन आम जबान में उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करें और उसको फिर हम कट डाउन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, यानी जो हमारा इरादा था कि हमने मोबाइल लिया था इसलिए कि हम इसमें मैसेजेस करेंगे, कॉलिंग करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ों को सर्च करेंगे, मेल करेंगे, मगर मकसद जो कुछ और था और हम फेसबुक में और यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में और दूसरी दूसरी चीज़ों के अंदर हमने उस मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इतना शुरू कर दिया कि अब इससे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, हमारे काम काज इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, हमारा एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारा करियर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर ये जो है दिस इज़ ओवर यूज़, और हम जब इसको कम नहीं कर पाते हैं तो हम क्या हो रहे हैं इसके एडिक्ट हो रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि अब जो है मैं इतना नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी क्या होता है हर रोज़ इरादा करते हैं लेकिन फिर क्या होता है फेल हो जाते हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ, और जब नहीं मिलता है फ़ोन तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम में से कितने लोग हैं आप ऐसा ऑनेस्टली बताएं कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो है वो अपने स्मार्टफोन को ढूंढते हैं, कितने लोग हैं ऑनेस्टली हाथ ऊपर करें, इसे कोई शर्माने की बात नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, माशाल्लाह कई लोगों ने उठाया है ना जी, तो ये जो है ये इसे समझ में आता है कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में आज जो है हमारा स्मार्टफोन हो, तो अब प्रॉब्लम तो ये है बहुत है, इसके नुकसान बहुत हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते और टाइम भी नहीं है, लेकिन हमको देखना है कि इसको हमको कंट्रोल कैसे करना है,
कंट्रोल करने के लिए बेसिक स्ट्रेटजी, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम एडिक्ट हो गए हैं, है ना, हमने इसका यूज जो इरादे से किया था हम उससे ज्यादा कर रहे हैं, इसके बगैर हमारा चलना मुश्किल हो गया है। तो हम पहली चीज ये तय करें कि हम मोबाइल को सिर्फ काम के लिए यूज करेंगे, जो हमारे जरूरी चीजें हैं, जरूरी कॉलिंग है। अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि जो लोग वर्किंग है, मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपने फोन का यूज सिर्फ अपने वर्किंग एनवायरमेंट में रेस्ट्रिक्ट करो, और घर पे आने के बाद आप ये रेस्ट्रिक्ट कर लो कि भाई मेरे को घर पे लैंडलाइन ही यूज करना है, किसी को भी कम्युनिकेट करना है। थोड़े दिन के अंदर सारे दोस्तों को मालूम हो जाता है, रिश्तेदारों को मालूम हो जाता कि भाई इसको फोन करना है, इससे बात करनी है, तो घर पे आने के बाद मैं तो लैंडलाइन ही यूज करता है, ये स्मार्टफोन यूज नहीं करता, इसका फोन जो है वो स्विच ऑफ रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा यूज जो है वो कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, जैसा बताया, हम घर पे सबसे ज्यादा फोन यूज करते हैं और बच्चे इमिटेशनल लर्निंग, हमको देख के बच्चे हमसे ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारा बच्चा तो ये देखता है कि अब्बू तो पूरे टाइम फोन पे लगे हैं, अम्मी तो पूरे टाइम फोन पे लगे हैं, और हमको लेक्चर देते रहते हैं कि भाई तुम फोन मत यूज करो, फोन के बहुत नुकसान आते हैं। तो बच्चा को लगता है यार ये मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है ना, जो चूज खुद करते हैं उससे हमको रोकते हैं। तो अगर हम अच्छे पेरेंट बनना है तो पहले हमको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हम यूज कम करें, हम घर में यूज नहीं करें, इंशाल्लाह बच्चे यूज नहीं करें। दूसरी चीज ये है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोबाइल की वजह से जो होती है वो रात को जागने की वजह से होती है। अक्सर मोबाइल का यूज जो बेजा होता है, गलत होता है, वो रात में होता है। और स्टडीज भी ये बताती हैं कि मोबाइल जो है वो वाइट स्क्रीन है, वाइट लाइट है, और वाइट लाइट जो होती है वो इट इज सेम एज डे लाइट। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो सफ़ेद रोशनी है, सुबह की रोशनी है, ये इंसान को अलर्ट करती है, एक्टिव करती है, नींद को भगाती है। जब इंसान हमारे पास सोनी की कंप्लेन लेके आता है, क्या करूं रात को कितनी कोशिश करता हूं लेकिन नींद ही नहीं लगती, तो हम बोलते हैं भाई साहब आप मोबाइल कब यूज करते हैं, तो बोलते हैं वो नींद नहीं लगती तो फिर मोबाइल यूज करने लग जाते हैं, फिर बहुत देर हो जाती है, जब थक जाते हैं तब जाके नींद आती है। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि आप मगरिब की नमाज हो गई, आप अपने मोबाइल को साइड में रख, आप, मैं दावे से कहता हूं आपकी नींद का मसला हल हो जाएगा, और यकीनन हो जाता, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते। क्यों? वो बोलते हैं गोली दे दो जिससे जल्दी से नींद आ जाए। क्यों? क्योंकि मसला ये हो गया है कि मोबाइल पे फुर्सत ही मिलती है रात में देखने की, और इससे आगे बढ़ के लोग बोलते हैं कि 12:30 बजे डेटा जो है वो रिफिल होता है, तो फ्री डेटा आता है रात में, अभी तक तो डेटा खत्म हो गया, अब जो फ्री डेटा रात में मिलने वाला है इसके चक्कर में जागते रहते। तो ऐसे इश्यूज हो गए हैं कि हमने उसको कट डाउन करने के लिए हमने अपने ऊपर खुद लिमिट्स लगाना है। मोबाइल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको स्क्रीन टाइम इंडिकेटर है, आपने कितने ऐप्स यूज किए हैं, आपने स्क्रीन पे लगा के रखे, आप एक टारगेट बनाए, मोबाइल आपको खुद बताता है आप ये टारगेट सेट कर दीजिए, ये ऐप इतने टाइम के बाद में बंद हो जाए। कितनी चीज़ें हैं करने वाले के लिए, बहुत चीज़ें हैं, और जो करना ना चाहे फिर उसके लिए हज़ार पान है। और जिसको अब हम देख रहे हैं, ये टॉपिक के ऊपर ही आया है, गेमिंग की वजह से, मोबाइल पे एक्सेसिव यूज़ की वजह से लोग जो है वॉयलेंट हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स का मर्डर हुआ। अपने औरंगाबाद में कई केसेस हुए कि बच्चे ने बाप को मार दिया, फोन ले लिया था उसपे, उसको गेम नहीं खेलने दे रहा था उसपे। रोजाना हम पेपर में रोजाना ऑलमोस्ट एक दिन आठ ये खबर सुनते हैं कि ये इश्यूज हो रहे हैं। तो हमें ये बड़े बड़े नुकसान से हम अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, तो हमें इस पर स्ट्रिक्ट होना जरूरी। एक टाइम तय हो जाए, मगरिब की नमाज के बाद सबके फोन जो है वो पेरेंट्स के बेडरूम में आ जाएंगे, सबके फोन वहीं चार्ज होंगे और कोई भी उसको एक्सेस नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली घर का माहौल बन जाएगा। सुबह होगी जब आप अपने अपने कामों को निकलेंगे तब आपके फोन आपको मिल जाएगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको तो अनसुपरवाइज्ड हमको हमारे बच्चों को फोन देना ही नहीं, क्योंकि मोबाइल से जितनी गलत चीजें हमारे बच्चे सीख रहे हैं वो बयान करने के बाहर है, वक्त ही नहीं है इसका कि मैं उसको बयान कर सकूं। तो बहुत जरूरी है कि अनसुपरवाइज्ड हम बच्चों को फोन ना दें, फोन बच्चों को अपने सामने दें, स्क्रीन बच्चों को अपने सामने दें, ये नहीं तो हमारे बच्चे हमारे पूरी तरह हाथों से निकल जाए। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मिसाल है जो आए दिन मैंने अपनी ओपीडी में मैंने देखी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे कि हम इसको डी एडिक्शन आसानी से कर सकते हैं। वैसे बहुत से आपको ट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन ये कुछ मैं तजुर्बे से बोलता हूँ जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। मेरा एक लास्ट सवाल है पूरे पैनल से, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो हम आपको अभी चांस दे देते हैं, या नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। जी सर, मेरा नाम सैयद नाज़िम अली है। मेरा क्वेश्चन एडवोकेट फैज साहब से और डॉक्टर खिलजी साहब से है। सर, आपने ये तो बता दिया कि स्क्रीन टाइम वी हैव टू रिड्यूस,
बट उस साथ में मैं सफर सर को भी लूप करना चाहूँगा कि सर हर ठीक है, अभी मेरी एक लड़की थी नौ है, तो एक लड़का सेकेंड में है, एक लड़की नर्सरी में है, ये तीनों का होमवर्क स्मार्टफोन पर आता है। ठीक है, मैं नर्सरी वाले और फर्स्ट वाले बच्चों को हैंडल कर लूँ, लेकिन वो बच्ची फिफ्थ में है, शी इज आस्किंग टू दैट आई नीड माय मोबाइल फोन बिकॉज होमवर्क आया है उसके ऊपर, और ना चाहते हुए वो मोबाइल डोजा करता है। अब उसको सिचुएशन ये होती है, कभी नमाज का टाइम हो जाता है, कभी मेरा पर्सनल काम होता है, तो मैं उसको यूज करने के लिए मेरी बात चालू होती है, मैं उसके ईयरफोन से यूज करता हूँ, अगर मैं अपना होमवर्क यूएस में देखती हूँ, तो मतलब नाउ द लाइफ इज जस्ट रनिंग अराउंड द स्मार्टफोन। अब इसमें दो चीजें हैं, तो अगर मोबाइल खराब हुआ है तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल, बच्चा खराब हुआ है तो मोबाइल रिस्पॉन्सिबल। सो व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस टू अवॉइड द स्क्रीन टाइम स्पेशली एज फार एज चिल्ड्रन इज कंसर्न्ड, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। मैम जो क्वेश्चन आया है कि होमवर्क वगैरह खुद स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उसका क्या किया जाए, मैं एज अ पेरेंट जवाब देता हूँ मैं क्या करता हूँ, वो आपके लिए उसका सलूशन हो या ना हो। कल मैंने एक काम किया, अपने घर के अंदर होमवर्क चूंकि स्क्रीन पर आता था तो मैंने एक प्रिंटर ले लिया, मैं उसको प्रिंट करके उनके हाथ में फोन में दे देता हूँ बस। अब मैंने ये सलूशन निकाला जिससे ऐसा चार लोगों ने स्क्रीन शॉट्स भेजे, कभी बोर्ड के आते ब्लैक बोर्ड किया, आजकल ग्रीन ही होता है, उसके स्नैपशॉट्स आते हैं कि ये होमवर्क है, टीचर डाल देता है, मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ और प्रिंट निकाल के देता हूँ बस। अब मैंने तो प्रैक्टिकली निकाला, अब रहा स्कूल वाले क्या कर सकते हैं वो तो स्कूल वाले बताएंगे, लेकिन मैंने सोल्यूशन प्रिंट आउट निकालने का ये वायरल मैंने किया हूँ जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर आपके बच्चों का होमवर्क आपके फोन पर आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है, तो आप स्कूल से रिक्वेस्ट कीजिए जाके कि बच्चों को क्लासरूम में होमवर्क दे, क्योंकि पहले कोविड एरिया जो हमारा टाइम था उस वक्त हमको स्मार्टफोन मजबूरी में खरीदना पड़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर यूज हो गया और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। लेकिन जैसा कि अभी जो न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल ने सारे ग्रुप्स डिलीट करवा दिए और स्ट्रिक्टली मना किए टीचर्स को कि होमवर्क आप स्मार्टफोन पर नहीं भेजेंगे। तो आप आपके स्कूल में ये कर सकते हैं वहाँ जाके कि जो प्रिंसिपल है उनसे कंप्लेंट कीजिए और उनसे कहिए, यस नहीं उनसे कहिए आप कि आप स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि क्लासरूम में दीजिए। मौसम में कल एप्लीकेशन लेकर आ जी। वेल जोक्स अपार्ट, किसी और का क्वेश्चन है, उसका एक सिंपल सोल्यूशन ये भी है कि बच्चों को कैलेंडर डायरी में होमवर्क दिया जाता है, अगर होमवर्क नहीं दिया जा रहा है तो बच्चों को बोलिए कि कैलेंडर डायरी में लेकर आए, और हर स्कूल से रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि दे शुड प्रोवाइड द होमवर्क इन कैलेंडर डायरीज। एडिशनली अगर व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि कुछ बच्चे एबसेंट होते हैं उन तक भी होमवर्क पहुँच जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज दीजिए या मैं मेरा क्वेश्चन। यस सर, मेरा सवाल मैडम से, मैडम मैं टीचर हूँ, अगर मुझे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थोड़ा लेट समझ में आ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्शन में से वो स्टूडेंट अभी सेकेंडरी में चला गया, तब भी उसे पढ़ने की लिखने की अगर डिसलेक्सिक प्रॉब्लम अगर है, सो इन स्पाइट ऑफ रेमेडियल टीचिंग व्हाट वी कैन डू। देखिए रेमेडियल टीचिंग तो सोल्यूशन है, लेकिन अगर बच्चा नहीं शुरू में अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है अर्ली एज में और आगे जाने के बाद पता चल रहा है तो वहाँ पर टीचर्स को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उसको जितना एक्स्ट्रा टाइम हम टीचिंग दे सकते हैं उसको समझाएंगे हम, तो उसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि डिसलेक्सिक होने की वजह से क्या होता है कि डेली नए प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है, तो डेली हमको वो नए प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो हमको इसके सिम्टम्स अगर मिनिमाइज करने हैं तो हमको उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। रेमेडियल टीचिंग सोल्यूशन है उसका, अगर आप इंतजाम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स को भी एफर्ट्स लेने के लिए बोलिए और कोई एक्सपर्ट्स है तो उनके पास भी काउंसलिंग के लिए उस बच्चे को आप भेज सकते हैं, तो इस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। इसका एक आंसर मैं भी देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दिए तो। बच्चा सेवेंथ एट में आ गया है और तब आपको पता चल रहा है डिसलेक्सिया है, तो ये तो एक्चुअल में बहुत लेट टाइम है उसका अवेयरनेस करने के लिए, लेकिन आपको पता चल गया तो मेरा ऐसा मानना है एज अ टीचर कि हमने बच्चों को कम से कम कुछ मैंडेटोरी स्किल्स देनी चाहिए
मैंडेटरी स्किल से ज़्यादा हमारा 19 तारीख को एक प्रोग्राम है यहीं पर कि 18 साल की उम्र में आए तक बच्चों को मैंडेटरी स्किल्स कौन से हैं कि वो स्किल्स उसको आना ही चाहिए, उसके बगैर मतलब नहीं जम सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्वेश्चन के लिए हमको ज़रूरी है एज अ टीचर स्टूडेंट्स को कुछ मैंडेटरी स्किल्स दे दें, चाहे अब आप कम्युनिकेशन की बात कर लें कि चले ठीक है अगर उसको लिखना नहीं आता है कम से कम उसका कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन तो सुधर जाए, उसको कुछ हॉबी स्किल्स दे सकते हैं हॉबीज के तौर पर, ऐसे कुछ चीज़ें देना ज़रूरी है मैं समझता हूँ। मेरा सवाल है सर से है कि सर हम मतलब आई एम अ डॉक्टर और हम जैसे रोज मतलब फिजिकली तो हमारी बॉडी के लिए सब कुछ मतलब न्यूट्रिशन ये वो करते हैं, लेकिन आजकल का जो इन्वायरमेंट है उसमें हम खुद के लिए भी और जो स्कूल एजिंग चिल्ड्रन है उनके लिए मतलब एक रोग की वजह और हम खुद जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके निकलते हैं, हम खुद को कैसे चार्ज करें और एक हमारा डेली रूटीन कैसे होना चाहिए जिसकी वजह से हम मेंटली भी इतने स्ट्रांग हो पाए। हमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट से अपने उससे निराकर्षण रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर आप चीज़ों को देखें तो बच्चे को जो है 7 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया, अब यहाँ से उसकी मतलब बचपन से वो सीख रहा है, अकीदा सीख रहा है, माँ के साथ सीख रहा है, घर में सीख रहा है, अब वो घर से बाहर भी जा रहा है, मस्जिद जाएगा, इमाम से सीखेगा, जुमा के खुतबों में जाएगा, इज्तिमा दर्स में जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसको ले जाना है 10 साल का और ना जाए उसको नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है, वो मस्जिद ले जाने का हुक्म है, तो 3 ईयर्स उसका ट्रेनिंग पीरियड है एक तरह से, तो यहाँ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग उसको दी जा रही है, बच्चे को घर में तो सिखाया ही जा रहा था उसको ले जाया भी जा रहा है। इस्लाम ये चाहता है कि इंसान इस मामले में जिसको कहेंगे हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ उसकी हमेशा वो फिट रहे चाहे फिजिकली किसी सिचुएशन में हो। तो मैं समझता हूँ अगर पेरेंट्स एक टाइम टेबल बना दें और उसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 नमाजें उस पर अगर फर्ज नहीं भी है तो 7 साल से ट्रेनिंग दे रहे तो कुछ नमाजों में तो ढील दी जा सकती है, 10 के बाद तो पूरी पढ़वाना है, उसके अलावा कुछ बेसिक रीडिंग्स उसके लिए आप करें, मेमोराइजेशन का कुरानिक हो सकता है, दुआएँ हो सकती है, जिक्र अस्कार हो सकते हैं, इसका भी एक सिस्टम घर में हमारे पास होना चाहिए डेली, वो पढ़ता रहे और खासतौर से वो चीज़ें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतौर से ज़हनी तनाव के लिए शयातीन से हिफाजत के लिए बुरे लोगों से बचने के लिए सिखाई गई वो खासतौर से आज बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की, घर से बाहर निकलने की जो खास दुआएं हैं वो ज़्यादा हमने करना चाहते, यहाँ से उसका वो करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ जो मैंने फील की अपनी फीलिंग्स रख रहा हूँ एज अ पेरेंट मैं रख रहा हूँ एक वालिद होने के नाते, वो ये है कि मैंने ये देखा कि कुरान के ट्रांसलेशन से बच्चों को हम पढ़ाने बैठते हैं, जैसे अगर मैं सुबह उनको रीडिंग करवा रहा हूँ तो मुझे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता है कि वो ट्रांसलेशन उनके हिसाब से किया ही नहीं गया है, तो लिहाजा अभी उसको 12-15 साल के बाद ही मैं उसको ले सकूँगा शायद उस चीज़ को जो वो ट्रांसलेशन है, अगर वैसा नहीं तो फिर मुझे उसकी इंटरप्रटेशन करना पड़ रही है हर बार चीज़ों के लिए जो कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक चीज़ ये भी आती है कि बच्चों के लिहाज से हम चीज़ों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कुरान का माना बदल दिया जाए वगैरह, लेकिन बच्चों की समझ के एतबार से वैसी किताबें भी नहीं आई, जैसा मैंने देखा जो है मेरा एक बेटा है उसने 65 या 70 कुछ वॉल्यूम्स पढ़ लिए, एक कोई चूहे की कहानी है मैं नाम लेना चाहूँगा उसके रिकॉर्डिंग होती है तो वो कहानी पढ़ रहा है बस, और उसको मैंने एक दिया स्टार्स वगैरह शाइनिंग स्टार साहबा वगैरह की बच्चे जो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट या छोटे जो बच्चे थे आते तो वो नहीं पढ़ रहा, तो मैंने फिर उससे कहा कि तुम ये तो पढ़ लेते 2 दिन में आते ही अभी अमेजोन से आए नहीं कि तुम पढ़ लेते हो, ये क्यों नहीं पढ़ा, तो कहा उसमें जो अट्रैक्शन है ना पेजेस में जिस ढंग से छापी गई है और जो कम कंटेंट लिखा गया है और एक तस्वीर है कंटेंट के साथ मुझे अट्रैक्ट करती है कि मैं ये पढ़ूँ, दुआओं की किताब में और साहबा की सीरत में मैं कहीं ना कहीं मिस करता हूँ कि मैं चीज़ों को समझूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं पब्लिशर से अपील करूँगा जो लोग सुन रहे हैं बच्चों के माइंडसेट को रखते हुए कुरान और सुन्नत को चेंज ना करें लेकिन बच्चों के माइंडसेट की किताब से चीज़ें बाहर निकालें, तो स्पिरिचुअल रीडिंग्स वगैरह वगैरह मैं कह सकता हूँ ये सब चीज़ें बाहर हो सकती है। सर कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेकर पैनल क्लोज करेंगे या नमाज के बाद फिर हम रिजॉइन करेंगे, पब्लिक पर पब्लिक तो चली जाएगी, पब्लिक मासूम रहती है। जी मैं मेरा सवाल तो ले लेता हूँ, मेरा काम मेरी जिम्मेदारी पूरी कर लेता हूँ। जी सर मेरा आखिरी जो सवाल था वो सेल्फ अवेयरनेस से है कि एज अ टीचर एज अ पेरेंट हम बच्चों को तो ऑब्जर्व कर लेंगे, बच्चों को तो चेक कर लेंगे कि कहीं उनके ऊपर कोई सिम्टम्स है या नहीं, सेल्फ अवेयरनेस में क्या कोई ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं खुद से पूछ लूं जिसके सवाल जवाब चेक 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 करके मुझे समझ में आ जाए कि मेरी मेंटल वेलनेस कैसी है, ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या? वैसे तो इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव टेस्ट्स,
जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिससे कि किसी भी शख्स की मेंटल हेल्थ को जांचा जाता है, मुख्तलिफ हैं। ICD सिस्टम है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स, उसका भी एक एक क्वेश्चनेयर आता है जिससे कि हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं। फिर एक बेसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट BPT बोल के एक टेस्ट होता है जिसको जिसमें मुख्तलिफ एक 7-8 किस्म के जो है क्वेश्चंस होते हैं, आपके मूड से रिलेटेड, आपकी स्लीप से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आप कभी जो है आपका परफॉर्मेंस जो है ना, आपकी ऑक्यूपेशन में और आपकी स्टडीज़ में आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन से रिलेटेड, तो ऐसे कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं। तो आप उनको जो है 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए भी हम जनरली यही यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मालूम हो जाता है कि भाई फ़िलहाल हमारी मेंटल हेल्थ क्या लेवल पे है, या हमें हेल्प सीख करना चाहिए, या हमें इस ताल्लुक से कुछ कोशिश करना चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें, एक असेसमेंट ज़रूर आ जाता है। तो ऐसे टेस्ट जो हैं ये हम कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब असल में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही देंगे बेहतर। वैसे एक आम सी बात है, अगर मेरे अतराफ वाला शख्स मुझे समझ नहीं पा रहा तो मुझे में कुछ सिंपल टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्ट बोल सकते हैं इसको, अतराफ के लोग अगर हमें समझ नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं हमने करना। जी, बहुत सारे टेस्ट इसके लिए क्वेश्चन जैसा सर ने बताया तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर हम अपना असेसमेंट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो आप वो क्वेश्चनर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए और इमीडिएट आपका रिजल्ट वहाँ पे आ जाता, स्कोर भी आ जाता और आपको पता चल जाता। उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप देखेंगे कि आपका स्कोर लो आता है तो उसमें कुछ सजेशंस भी होते हैं कि अगर आपके अंदर ये कमियाँ हैं तो उसे किस तरह से दूर किया जाए, तो आप उसकी हेल्प लेके अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं इस तरह से। मेरा ये बोलना है कि हमको हमारी अपनी पर्सनैलिटी को या हमारी अपनी नफ्सियात को अल्लाह ताला से बेहतर कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता। तो अगर हम सुबह में फजर से पहले, जो कि एक हमारा एक सेल्फ टाइम होना चाहिए कम से कम 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, अगर हम कुरान शरीफ खोलें रैंडमली कहीं से भी, हमारे कुछ सिक्वेंस ना हो उसमें, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं या हम जो भी समझ रहे हैं, चाहे हम अगर कुरान शरीफ डायरेक्टली ना भी समझे तर्जुमा से भी, तो अल्लाह ताला जानता है कि इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे लिए उस वक्त फौरी ज़रूरत जो चीज़ की है, अल्लाह ताला वो आयत या वो वाक़या या वो सिनेरियो हमारे सामने रख देता है क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमें इस वक्त किस डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसा कि आप जो भी मुश्किल में पेश आती थी, उन्हें आती थी, उनको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब जब उनके सामने हालात आते थे, तो अब जैसा कि उनको कुछ मक्का में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत आती थी कि देखो क्या तुम्हें मूसा के बारे में नहीं पहुंचा, उन्होंने इन्हें ऐसी ऐसी तकलीफ दी गई, क्या तुम्हें ये नबी के बारे में नहीं पता चला, उन्होंने इन्हें ऐसी ऐसी तकलीफ दी गई। तो कुरान शरीफ से जो है तो आप को जो है तो उनकी मेंटल लेवल जो है तो अल्लाह ताला ने खुद जो स्टेबल किया जो भी उनको जो भी उनके हालात उनके साथ हुए थे। तो हमारे हालात में भी अल्लाह ताला हमें गाइड करके हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है बेशक, और उससे ज़्यादा बेहतर गाइड करने वाला कोई नहीं है अगर हम समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। ये जो मुद्दा बाजी ने निकाला है, मैं चाहूँगा कि फैज़ भी उसकी वजाहत कर दे। मैं इस मामले में जो एक जनरल चीज़ है वो ये है कि कुरान की रीडिंग का हम एक मामूल बना ले। ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि कोई किसी चैप्टर को अचानक रैंडमली खोल ले और उसके लिए वो सारी चीज़ें सामने आ जाए जो वो चाहता था, लेकिन हर बार ही ज़रूरी नहीं, लिखना चाह हो भी सकता है। और वाक़ मैंने भी पढ़े हैं कुछ रिवर्ड्स के खास तौर से, जब वो चाहते थे कुछ चीज़ें जानना और उन्होंने कुरान को खोला और वो चीज़ें उनको मिल गई जब उन्होंने रीडिंग किया, ये तो नहीं कह सकता तो प्रिसाइसली उसी एक पर्टिकुलर आयत पर पहुंचे, लेकिन जनरल रीडिंग में उनको वो चीज़ मिल गई जब उन्होंने पढ़ने लगे। लेकिन कुरान को अगर आप देखें तो एट रैंडम भी आप ऐसा रीड करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड मिल ही जाती हैं। अब कितनी रीडिंग आप करते हैं, कब उसके लिए आप वक्त बांटते हैं, फजर के बाद तो ये एक ऐसा वक्त है जब फरिश्ते गवाही देते हैं इसके, लेकिन आप जब भी चाहे इसको एक मामूल बना ले अपना, जब भी होता है लोगों के अलग अलग लाइफ स्टाइल्स होते हैं, लेकिन रीडिंग का एक डेली कर ले तो मैं समझता स्पिरिचुअल एक कनेक्शन रहता है और बहुत सारे इश्यूज से स्पेशली मेंटल इश्यूज से हम लोग महफूज रहते हैं। मगरिब का वक्त हुआ चला है,
हम हमारा पैनल डिस्कशन यहाँ क्लोज करते हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल सवालात हो तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद 6:30 बजे हम लोग वापस यहाँ आएंगे। अगर आप लोग के सवालात रहें तो हम इंशाल्लाह पर्सनल भी डिस्कस कर लेंगे या इसी तरह पैनल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सवालात नहीं रहे तो हम पैनल को क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से मैं समराइज़ कर दूँ आज के टॉक को, मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। शरीयतन आपके लिए मेरे लिए गाइडलाइंस है कि हम अपनी मेंटल वेलबींग का बराबर से ध्यान रखें, जिस तरह से हम हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखें। बच्चों के ऊपर नज़र रखें कहीं वो मोबाइल का गलत और सही इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐट द सेम टाइम उनको अगर कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं उसकी वजह से अगर समाज में, घर में, स्कूल में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो हम उससे भी बच्चों का सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो सर आपकी इजाज़त से हम सेशन को क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रूट्स एंड विंग्स एकेडमी प्रेजेंट्स हाइज़ ऑफ विजडम का जो सेशन ऑडिटोरियम में मुकम्मल हो चुका है उसका कुछ हिस्सा बाकी है, खसूसी तौर से क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद है। आप लोगों को बच्चों की या किसी के भी मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से अगर कोई सवाल है तो आप सिर्फ अपनी जगह खड़े हो जाए, हमारे वॉलंटियर्स आपके पास माइक पहुंचा देंगे और आप डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई से मेरा ये सवाल है कि जैसे आजकल बच्चे मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ के बदले में कोई चीज़ चाहिए उनको, अगर हम कोई उनसे पढ़ाई के ताल्लुक से या किसी भी चीज़ से कुछ कराना चाहते हैं तो उनको भी उसके बदले में कुछ चाहिए, तो ये सिचुएशन ऐसे टैकल करें, कंट्रोल करें या वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, हाउस ऑफ विजडम में हमने जो है मेंटल वेलनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ताल्लुक से बहुत सारी बातें वहाँ डिस्कस हुई है। उसी का एक पार्ट जो भाई ने अभी जो क्वेश्चन किया कि बच्चे जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनको मादा परस, इसको मटेरियलिज्म कहेंगे, कुछ हम कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ दिया जाए। इसके दो आस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला, हाउस ऑफ विजडम में हमने जो काफ़ी डिस्कस किया वो है मादा परस्ती, जो बच्चे जो सीखते हैं, याद रखिए मटेरियलिज्म या कोई चीज़ उनके पास होना, वो कहीं ना कहीं बड़ों से सीखते हैं सबसे पहले। वो मतलब जब वो बड़ों को देखते हैं कि वो हर चीज़ को पजेस करना चाहते हैं, जैसा आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, और वो खुद चाहते ही कुछ किस्म का मादा या मटेरियल आपके पास हो जिससे आप खुश होंगे, मादा परस्ती इसको कहते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास आईफोन हो तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन जाऊंगा, और उसके लिए पूरे एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, पूरी कोशिशें आप कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे मादे को या मटेरियल को या मटेरियलिस्टिक लाइफ को ना जिए बल्कि वो खुल कर जिए, तो ये बहुत जिसको कहेंगे मुश्किल है। इसलिए कि बच्चे बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं वो करते हैं, जिसको मैं यूं कहता हूँ बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं करो, बच्चे वो करते हैं जो हमको करते हुए देखते हुए, याद रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को देखते हैं, उसको इमिट करना शुरू करते हैं, उस जैसे होते हैं। तो लिहाजा पहले तो बड़े इस चीज़ को समझें। दूसरा, पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि जब बच्चों से वो कोई काम करवाते हैं, हर काम के बदले एक लालच देना या गिफ्ट की बात करना ये दुरुस्त भी नहीं होंगी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ भी देखी कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, और वो इस लेवल पर चली जाती है कि बच्चा कहता है आप ये काम करना है, पानी आपको पिलाना, तो इसके बदले क्या मिलेगा? अगर घर में दादा दादी को मैं जो है थोड़ा सा गाइड कर दूंगा तो उसके बदले क्या मिलेगा? अगर मैं थोड़ी देर रात में जाग लूंगा तो सुबह आप उसके बदले क्या देंगे? तो लिहाजा बच्चों को इतना मादा परस्त, मटेरियलिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। पहले तो पेरेंट्स, बड़े लोग खुद अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, खुद अपने आप को देखें कहीं हम तो इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि बच्चे हमको इमिट करते हैं। और सेकंड, फिर बच्चों को जैसे ऐसी आदत है तो उसको निकालने के लिए फिर कोशिश की जाए और बताया जाए कि यहाँ खुद गलत थे, अब हम लोग ये चीज़ को छोड़ चुके हैं, बच्चों आप भी इस चीज़ को समझिए और अपने ट्रेंड्स को या अपनी चॉइसेस को बदलने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल था कि एक एज ए टीनेज और एज ए स्टूडेंट हमारे जो थे इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, हमको यंग एज में आने के बाद पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अंदर से एक ज़मीर होता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गलत राह पे निकल जाते हैं, तो उस वक्त पे खुद की इस्लाह कैसे करें और खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, रिलीजियसली भी और एजुकेशन की फील्ड में भी, कि डीमोटिवेट ना हो बार बार? पहले तो जिस चीज़ का भी ना हो अनजाना में, तो अल्लाह पहले माफ़ फरमा देते हैं, तो सच्चे दिल से तौबा कर लें,
कि वापस वैसी गलती ना खतः ना आए और उसकी जगह अल्लाह ने हमें पैक कर दी फरमाई क्या किया जाना चाहिए वो कर लें। और जहाँ तक रिपेंटेंस का सवाल है तो वहाँ की कबूलियत का सवाल है तो उसका जवाब खुद इसी दुनिया में मिल जाता है कि इंसान वापस ना करे तो समझ लें कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी। जैसा अस्सलामुअलैकुम जैसा हमारी बहन ने जो पॉइंट रेज किया माशाल्लाह बहुत अहम बात है। हम सब इस फेज से गुजरे हैं, हम सब एक ज़माने में हम बच्चे थे, टीनेज थे, और टीनेज जो है वो एक ट्रांजिशन फेज़ है बचपन से बड़े होने की बीच की फेज़ है। तो इसमें हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो और हमारे आसपास के माहौल में भी, हमारे फ्रेंड्स के अंदर भी हम बहुत सारी तब्दीलियां देखते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पीयर प्रेशर होता है, आसपास के हमारे क्लासमेट्स, हमारे साथ में पढ़ने वाले, उनका भी इन्फ्लुएंस हम पे होता है। लेकिन एक बात है इसमें मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा इन कंट्रोल रहते हैं। आप अगर ये समझेंगे कि नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप को सही और गलत पे पाबंद कर सकता हूँ, अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है और आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, आप अपने आप को चाहे एक छोटा बच्चा भी हो उसका भी ज़मीर होता है, जैसे आपने बताया हमारा ज़मीर हमें कहता है लेकिन हम इमोशंस में बह जाते हैं, तो एक मैर हुआ, दूसरी मरतबा हुआ, लेकिन हम जानते हैं अगर हम इस बात का अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे कि नहीं मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्या कोई मुझे फोर्स कर सकता है ऐसी चीज़ करने का जो मैं नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं फोर्स कर सकता। तो ऐसी चीज़ जो मेरा नफ्स चाह रहा है लेकिन मेरा ज़मीर मना कर रहा है, मैं बिल्कुल उसके लिए मैं अपने नफ्स पे रोक सकता हूँ। अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखते हैं और अल्लाह से आप शैतान से और जो है अपनी हिदायत के लिए, शैतान से हिफाजत के लिए आप दुआ भी करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी हम ये फीलिंग करते हैं कि नहीं हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ही फिर हम आगे आगे शैतान जो है हमको जो है इन चीज़ों में आगे रीतियों में ले जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ख़ुद को जो है कभी ना समझे छोटे हैं या बड़े हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, है ना। इंसान का डिटर्मिनेशन, नियत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, ये एक्चुअली क्वेश्चन मेंटल हेल्थ के बारे में है बच्चों के लिए। तो मेरा लड़का है ऑटिस्टिक है, तो उसकी जो स्कूल में एडमिशन्स है वो स्पेशल स्कूल में ही करनी पड़ती है, तो ऐसा है क्यों है ये मैं जानना चाहता है, नॉर्मल स्कूल्स में क्यों नहीं करते हैं? तो ऑटिज्म मतलब ये मैं मेरे बच्चे के बारे में बात करूँ तो वो सभी चीज़ों से वाकिफ हुए, अंडरस्टैंडिंग इशू है उसका, बट नॉर्मल स्कूल उसको लेती नहीं है। जो 7-8 स्कूल में घुमा हो, चाहे वो औरंगाबाद हो या पुणे में, वो बना बजे ऑटिज्म के लिए ये जी, ये बहुत अहम सवाल है। अगर ये सवाल उठा है तो अभी हम ब्रीफ में समझ लें कि ऑटिज्म क्या है, ताकि हम सब तो समझ में आ जाए, है ना। देखिए ऑटिज्म जो होता है ये एक स्पेक्ट्रम है ना, यानी कई सारी छोटी 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 प्रॉब्लम्स हैं जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में आती हैं। बेसिकली ऑटिज्म जो बच्चों में होता है उनमें तीन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम होता है। एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी उनकी बच्चों की जो स्पीच होती है उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, बच्चों की स्पीच या तो डिले होती है या फिर वो अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली बोले तो कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होता है। दूसरा वो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो उनके अंदर इमोशनल और सोशल इश्यूज के ताल्लुक से प्रॉब्लम होता है, यानी बच्चे आसानी से लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं, दोस्त नहीं बना पाते हैं आसानी से, अक्सर जो है वो सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं, अपने में आप रहते हैं, यानी बस वो खुद से ही खेलेगा, खुद से ही बातें कर लेगा। ये एक जो है एरिया होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाते हैं, बच्चों के साथ मिल के खेल नहीं पाते हैं, खेलेगा भी तो अपने अकबर लेके ग्राउंड में अलग से खेलता रहेगा, बाकी बच्चे अलग खेलेंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है रिपीटेटिव मूवमेंट्स या रिपीटिशन। ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो आते हैं वो एक चीज़ करते हैं तो वो बार बार करते रहते हैं, है ना। हम एक बार बच्चे के साथ कोई चीज़ खेलते हैं, बच्चा खुश होता है, हंसता है, दो बार करने को बोलता है, तीन बार करने को बोलता है, एक
एक टाइम आता है हम उब जाते हैं, थोड़ी देर के बाद बच्चा भी उब जाता है, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो कभी उनका दिल नहीं भरता है, वो बार 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 वही रिपीटेटिव मूवमेंट्स करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, हाथ को बार बार हिलाएंगे, जंपिंग करेंगे, तो कुछ मुंह के एक्शंस करेंगे, ये जो है ये सारे सिम्टम्स ऑटिज्म में होते हैं। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, बेसिकली ये एक होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल्स के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है जिस पैमाने पे होनी चाहिए। बहुत कम स्कूल्स होते हैं जहाँ पर ऑटिज्म के बच्चों को ट्रेन करना, सिखाना, ये स्किल्स जो है टीचर्स के पास होते हैं, स्कूल में अवेलेबल होते हैं। जब उनके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे बच्चे को तो हमको एजुकेट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, हमको उनको स्पेशल स्कूल्स के अंदर ले जाना पड़ता है। बट एक्चुअली होना ये चाहिए, अल्टी एलनेस की बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्लास को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तब तक इसको छोड़ दें तो बाकी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और यही मकसद है कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, लोगों में इस बात की समझ आए कि ऑटिज्म बहुत कॉमन है, ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत बच्चे आते हैं, और आजकल के हालात के अंदर ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वालिदैन का जो है वो उनको तवज्जो देना भी ज़रूरी है, स्क्रीन भी वो बच्चों का कम करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम छोड़ देते हैं, ये भी बच्चों को ऑटिस्टिक बना देता है, बच्चों के अंदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो वह ज़रूरत है कि इसके ऊपर वर्क करें और नॉर्मल स्कूल में ऐसे बच्चों को एजुकेट करें। जी, ऑटिज़म के सिलसिले में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त रही तो। रूट्स एंड विंग्स अकेडमी स्टार्ट करने से पहले जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने एक ऑटिज्म पर आर्टिकल पढ़ा था, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैंने वो आर्टिकल हमारे साथ के ट्रस्टी से डिस्कस किया। मैंने सर को बताया आर्टिकल के आउटकम्स के एक्चुअल में ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को, ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन को अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं, वो अच्छे से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल निकाल सकते हैं, वो कोई ऐब वाली मायूब बात नहीं है कि नहीं वो बच्चा नहीं कर सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि मैंने जब इनसे ये डिस्कस किया तो बताने लगे, सफ़र जानते हो कि मेरा बेटा खुद ऑटिस्टिक है, और मैं वो बच्चे को जब 5th में आज से 5 साल पहले, अभी तो 10th में है, तो उसको देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि वो ऑटिस्टिक है, क्योंकि 5 साल 7 साल में वो कवर कर चुका था। तो नॉर्मल स्कूल्स में ही डालना चाहिए और नॉर्मल स्कूल्स में ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सिस्टर आपका सवाल। सर, आई वाज आस्किंग दैट व्हाट हैपेंस दैट वी गिव टेस्ट एंड समटाइम्स वी आर गेटिंग लो मार्क्स इन टेस्ट, सो दैट लो मार्क्स आर टोटली डिप्रेसिंग अस एंड इट गिव्स अ लॉट्स ऑफ टेंशन, सो हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम इफ वी आर गेटिंग लो मार्क्स, एंड व्हाट टिप्स यू वुड लाइक टू गिव अस फॉर आवर यू नो फ्यूचर डॉक्टर्स? Okay, yeah, so it's a very good question, or I think for everybody to understand, I'll give the answer in Urdu if you are comfortable with it. You okay? Yeah. तो हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम है, और कई बार ऐसा होता है कि उस दरमियान में, पढ़ाई के दरमियान में हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के अंदर कभी हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, और कम मार्क्स आने की वजह से काफ़ी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो इस स्ट्रेस को, टेंशन को कैसे डील करना चाहिए? तो देखिए, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेसिकली एग्ज़ाम्स का मकसद क्या है? एग्ज़ाम्स का मकसद ये है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये सब्जेक्ट में, ये चैप्टर में, ये टॉपिक में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, और एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है। किसी हर इंसान का कोई चैप्टर स्ट्रांग होता है तो कोई वीक होता है, है ना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो हर टॉपिक में, हर चैप्टर में शुरू से टॉप करे। हम सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं। तो एग्ज़ाम का मकसद ही यह है कि हमें वो बताए कि हम किस चीज़ में स्ट्रांग हैं और किस में वीक हैं। तो जब हमारे मार्क्स कम आएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा ना कि हम इसमें वीक हैं, है ना। तो देयर इज नथिंग टू गेट टेंस्ड अबाउट इट, सी, है ना। एग्जामिनेशन जो है ये तो नीट एग्ज़ाम नहीं है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ये तो हमारे प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स हैं। तो हमने इसको पॉजिटिव लेना कि ये मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर जो मिस्टेक्स किए हैं मैं उनको कवर करूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। और
मैं जो टॉपिक ऐसा कई बार क्या होता है, देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक हमारा एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं, यानी सोचने का हमारा अंदाज में जिसमें कमी होती है कि ऑल और नन, अगर या फिर मैक्सिमाइजेशन, यानी अगर एक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो हमारा जहन जो है हमें ये समझाता है कि अब तुम्हारे सारे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, है ना, हम कभी कभी ऐसा समझने लगते हैं, या इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, है ना। तो ये जो सोच होती है ये हमारी बचपन से हमारे अंदर डेवलप होती है कि हमें कभी कम मार्क्स नहीं आ सकते, है ना। बट एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के कभी कम मार्क्स ना आए, किसी कभी आपके कम भी आएंगे कभी ज़्यादा भी आएंगे, ये हमारे सीखने के लिए है। तो हमने कैसा है अपने इमोशन को ये बोल के मैनेज करना कि इस सब्जेक्ट में कम आए हैं सब में तो नहीं आए, इस टेस्ट में कम आए हर एक में तो नहीं आए, और अगर कम आए हैं तो मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जो है अपनी मिस्टेक से लेसन लूंगी। तो टेस्ट को भी और मार्क्स को भी हमने एक पॉजिटिव सेंस पे लेना, अगर हम लेना सीख जाएंगे तो हम स्ट्रेस आउट नहीं होंगे और हम अपनी सोच की गलती जो है उसको पहचानना सीख जाए कि कहीं ऐसा मैं हर चीज़ में तो नहीं करती हूँ कि मैं जब कोई एक चीज़ बुरा होता है तो मैं ऐसे अपसेट हो जाती हूँ कि मेरी लाइफ में अब सब बुरा ही होने वाला है, राइट। तो ये हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सोचने के नज़रियात होते हैं, तो ये पहचानना, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, एक सोचने की कमी, और उसको दुरुस्त करना। अगर आप ये करने लग जाएंगे तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा इंशाल्लाह, आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे और नेक्स्ट टेस्ट में आप उस सब्जेक्ट में उससे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और एक नुक्ता और समझ लें इसी सिलसिले में कि जो आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं पहली फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, उनसे छुट्टी ना हासिल करें, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन स्टडी और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। जैसे सर आजकल जो मॉडर्न वे बताया जाता है कि हमें स्टडी, जैसे स्लीप मैनेजमेंट आता है अगर हमारी मेंटल हेल्थ को देखा जाए तो, कि हमें मिनिमम कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेना चाहिए, कि जब स्टडी का ख्याल आता है कि जब बहुत सारे लोग अभी मॉडर्न वे में कहते हैं कि हमें स्टडी भी कुछ मतलब हर चीज़ की एक हद होती है तो स्टडी भी हद में करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो। लेकिन आजकल जो कुछ लोग भी बताते कि हम तो रातों को ज़्यादा करते थे, हम तो रात रात एक किया करते थे और हमने इस तरह से पढ़ाई की और हमने इस तरह से चीज़ें किए, तो सर ये रास्ता सही है या फिर हमें शायद ही सही चीज़ें और सही टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके स्टडी करना चाहिए जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी सही हो सके। तो सर इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हम 2 या 3 घंटे भी सोकर हम स्टडी किया करते, तो सर हमारी स्टडी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमें 2 या 3 घंटे सोना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हमें अच्छी नींद के साथ और अच्छी पढ़ाई भी लेना चाहिए। मैं इस चीज़ से रिलेटेड सर हफ्तों से परेशान हूँ थोड़ा मालूम के लिए। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका स्टडी और स्लीप मैनेजमेंट के ताल्लुक से। जी तो इस पे एक बेसिक पॉइंट तो मैं बताऊंगा कि देखिए स्लीप जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक इंसान की स्लीप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जी कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई 2 घंटे सोते हैं और उसके बाद में वो फ्रेश रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और वो काम भी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है ना। ऑन एन एवरेज देखा जाए जैसा आपने बोला कि एक आम आदमी की स्लीप रिक्वायरमेंट अराउंड 6 hours to 7 hours होती है। वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर 3 कैटेगरी होती है, शॉर्ट स्लीपर्स, लॉन्ग स्लीपर्स और इंटरमीडिएट स्लीपर्स। शॉर्ट स्लीपर्स वो हैं जो 5 या उससे कम घंटे सोकर भी उनकी नींद की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यानी उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे, उनके मूड पे, उनके वर्किंग पे कोई उसका इल इफेक्ट नहीं होता है, बुरा असर नहीं होता है। कुछ होते हैं लॉन्ग स्लीपर जो 8 घंटे से ज़्यादा यानी 9-10 घंटे इतना सोते ही हैं, इसके पहले वो जो है रिफ्रेश नहीं होते हैं। और कुछ इंटरमीडिएट हैं जैसा मेजॉरिटी लोग होते हैं जो अराउंड 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद जिनको काफ़ी हो जाती है। तो देखना यह है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप बचपन से अपना स्लीप पैटर्न जानते हैं, आपको मालूम है आप कितना घंटा सोते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका हैंगओवर नहीं होता, आपका सर भारी नहीं होता, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होता, उस एतबार से आप अपना डे प्लान करें।
दूसरों को ना देखें, क्योंकि हर एक यूनिक है, हर एक का अपना एक पैटर्न है। दूसरा, आपने बोला कि स्टडी के लिए जो है हम कैसा प्लान करें, तो डेफिनेटली स्टडी आप जब अच्छी कर पाते हैं, जब आप जो है अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें, पेट भर के खाया है आपने, नींद आपकी अच्छे से हुई है, आप कंफर्टेबल हैं, अगर ऐसे टाइम पे आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका रिटेंशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप अननेसेसरी स्ट्रेच कर लेंगे, आप ज़्यादा घंटे पढ़ तो लेंगे लेकिन वो पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहेगा, कितना प्रोडक्टिव होगा, ये कहना मुश्किल है। तो पढ़ाई भी इस तरीके से की जाए कि उसको हमारे जो बेस्ट आवर्स हैं, जो हमारे फोर आवर्स हैं, जब सुबह का वक्त है, जब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो हमने पढ़ाई के लिए देना चाहिए। आई होप ये आपके लिए, और फारूक सर भी कुछ पॉइंट बताएंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने जिस्म में जिस्मानी और ज़हनी एतबार से इतनी खूबियाँ रखी हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। सिर्फ हाथों के ज़रिए इंसान 100 मंजिल इमारत के ऊपर दीवारों पर चलते हुए जा रहा, आज भी जा रहा है। फ्रेंच का वो शख्स आपने देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड से अपने ये दुबई टावर के ऊपर खुद ब खुद चल दे गया, उंगली के पैरों को इतना मजबूत बनाया है कि उसके ज़रिए अपनी गिरफ्त को मजबूत करते जा रहा है। इसी तरह जहन के अतबार से आप जिस चीज़ को जैसे कबूल करेंगे वैसे होने लगेगा। आपने जहन में बिठा लिया है कि मुझको 8 घंटा ही सोना है, मैं 8 घंटा सोता हूँ तभी मुझे चैन मिलता है, मैं कॉन्सनट्रेट कर सकता हूँ, मैं अपनी तवज्जो को पढ़ाई पर रख सकता हूँ, तो फिर आपको 8 घंटे के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आप एक चीज़ को जहन में रखें, आपका मकसद क्या है। अब बिलुमूम हर एक के लिए जब मकसद सामने आता है तो हर एक में खूबियाँ पैदा हो जाती है। आप एक मकसद पैदा करें अपने जहन में, एक तलब, एक लगन पैदा करें, तो अल्लाह ताला उस खूबी से नवाजेंगे। एक मिसाल देता हूँ, खुद आपकी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि आपको बेहतरीन कारगर्दी, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, कौन सा दिन होता है वो? इम्तिहान का दिन। अब ईमानदारी से खुद सोचिए कि कल इम्तिहान है और आज आपने कितने घंटे सोया है, कौन कितना सोते हैं आप इम्तिहान के एक दिन पहले? 2 घंटा 3 घंटा, सही बन रहा हूँ मैं? ऐसे होता है ना, कम सोने के बावजूद भी आप दूसरे दिन अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हो। क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना देंगे तो अल्लाह ताला उस खूबी से खूबी को और ज़्यादा करेंगे आप में। तो उसको आप एक मेंटली एक्सेप्ट कर लें कि जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता आपको मेहनत करनी है। और एक बात समझ लें, कोई भी शख्स जो कहता है कि मैं कामयाब हूँ और रोज़ाना 8 घंटे सोता हूँ, सबसे बड़ा झूठा है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है वो। कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता है रात को जागे बगैर, ये सुन लें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, हिसाब लगाइए आप, 2.5-3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोए वो, हिसाब लगाइए आप। इसी तरह जितने भी बड़े आदमी गुजरे हैं दिन रात मेहनत करते हैं, टॉप लेवल पे जाने के बावजूद भी उनको मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि अगर मेहनत जारी नहीं रही तो उनका टॉप लेवल भी नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अपने जहन को तैयार करें कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि जितना आपका मकसद है, जब तक वो मकसद हासिल नहीं होता। अब जब ये नज़रिया आपका बनेगा तो इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको बोझ नहीं लगेगी। एक क्वेश्चन आया है, कैन मेंटल हेल्थ अफेक्ट फिजिकल हेल्थ? मुझे मेल पर पहले आ चुका था ये क्वेश्चन कि आज के सेशन में मैं पूछूं, कैन मेंटल हेल्थ, क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को असर कर सकती है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ जो है हमारे माइंड की हेल्थ है ना, या हमारे आम जबान में बोले हमारे ज़हनी सेहत है ना। तो ज़हनी सेहत ये हमारे जिस्मानी सेहत पे भी असर डालती है, और जिस्मानी सेहत जो है ये हमारी ज़हनी सेहत पे असर डालती है। इंसान का जहन और जिस्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। जैसे हमें अगर हमारे जिस्म में तकलीफ़ है, मेरे पेट में दर्द है, तो
मैं मेरी ज़हनी सेहत पे उसका बुरा असर होगा, यानी मैं अनकम्फर्टेबल फील, दर्द फील करूँगा और मेरा मूड उसकी वजह से अपसेट रहेगा, उसकी वजह से मैं शायद मेरा काम भी ढंग से ना कर सकूँ। तो जैसा फिजिकल हेल्थ अगर डिस्टर्ब होती है तो माइंड पे उसका असर पड़ता है, इसी तरीके से माइंड की अगर हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उसका फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, ये दोनों तरफ से काम करता है। और इसके लिए कई सारे एग्जांपल्स हैं, स्टडीज़ हैं, आप देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो डायबिटीज़ एक जिस्मानी बीमारी है लेकिन वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट, हम देखते हैं उनको, क्यों? क्योंकि उनकी डायबिटीज़ की जो डोज है, उनकी मेडिसिन जो हैं वो फुल डोज पे देने के बाद भी, काफ़ी बढ़ाने के बाद भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है, आप तनाव में तो नहीं रहते, इस वजह से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका शुगर जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। फिर जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं क्या उनका नींद का प्रॉब्लम है, वो डिप्रेस रह रहे हैं। और जब उन सिम्टम्स को एड्रेस किया जाता है, उनको सही से ठीक किया जाता है, उनकी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है, उनकी डायबिटीज़ की डोजेस कम हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है, ये दोनों को पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी कवर करते हैं। और एक एग्जांपल है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को कैंसर हो गया, उनके अंदर स्टडी की एक ग्रुप वो था जो कैंसर के पेशेंट्स थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, और एक दूसरा ग्रुप था जिसको कैंसर था लेकिन उनका मेंटल हेल्थ अच्छा था। तो लॉन्ग जो है लाइफ जो है वो उनकी ज़्यादा थी जो कैंसर के साथ मेंटल हेल्थ जिनका अच्छा था, उनको कैंसर लेट मुतासिर किया, और जिन उनमें रिकवरी भी फास्टर थी, ट्रीटमेंट को भी रिस्पांस फास्टर था, और जो मेंटली डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, उनका कैंसर का जो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है हमारी और हमारे बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नॉर्मल हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो जब हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, और ये कॉर्टिसोल जो है ये रीज़न है बहुत सारे, जब जिन लोगों का स्ट्रेस क्रोनिक होता है यानी अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, तो ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़े रहने की वजह से उनको जल्दी डायबिटीज़ होती है, जल्दी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, जल्दी उनको किडनी स्टोन्स होते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, जल्दी उम्र के पहले बूढ़े होने लगते हैं, यानी पूरा सिस्टम जो है आपका बॉडी का वो मुतासर होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होती है कि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ वालों को हम ये एडवाइस करते हैं कि फिजिकली फिट बनो, जल्दी उठो, वॉकिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, आप अपनी जिस्मानी सेहत का अच्छा ख्याल रखो, तो आप डिप्रेशन से खुद ब खुद जल्दी बाहर आओगे। तो फिजिकल हेल्थ भी हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। जी सलामुअलैकुम, हौसलों की तरकीश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा सब कुछ मगर फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। औरंगाबाद शहर में जो है तो अल्लाह ताला ने खिलजी फैमिली और कादरी फैमिली को ये शर्फ से नवाजा है, और ये जो है तो बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिस तरह से जिस्मानी सेहत ज़िंदगी जीने के लिए अहमियत रखती है, उसी तरह जो है तो ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। फैसल सर से हमारा ये सवाल है, ज़हनी ज़िंदगी ज़हनी सेहत के लिए ज़हनी सेहत के लिए ज़िंदगी में जो है तो किस तरह का मियार होना चाहिए, ज़हनी सेहत ज़िंदगी के मियार को किस तरह से मुतासिर करती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हनी सेहत जो है हमारी ज़िंदगी के मियार को किस तरह से मुतासिर करती है, जी तो आम ज़बान में अगर मैं इसको समझूँ तो ये कि हमारी जो ज़िंदगी है, हम कितना अच्छे से गुजार सकते हैं, कितना अच्छे से जी सकते हैं लाइफ को, हम कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के मियार को जो है में शामिल है ना, यही पूछना चाहते हैं। तो अगर हम ज़हनी तौर पे सेहतमंद होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को
एक कामयाब जिंदगी बना पाएंगे। जी जी, तो बिल्कुल बहन, ये तो बहुत ज़्यादा अहम है और वाजे है। मेरा ख्याल है पहले जो मैंने बातें कही उसमें भी ये सब चीज़ें आई हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को जो है ज़िंदगी में एक पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजार पाए, अपने एम को, अपने मकसद को हासिल कर पाए। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान प्लान करता है, अपना मकसद मुतय्यन करता है, उसके लिए कोशिश करता है, उस सब के लिए उसके जहन का साथ देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जहनी तौर पे मरीज होते हैं या जहनी सेहत जिनकी कमज़ोर होती है, ख़राब होती है, वो अक्सर जो है अपने टारगेट्स को हासिल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी जहनी सेहत को मजबूत रखना चाहिए। हमें जिसके लिए जो जहनी सेहत को अच्छा रखने की जो टिप्स हैं कि आप जो है अपने माइंड को आप रिलैक्स रखें, आप बेजा चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, आप अपना टारगेट फोकस रखें कि मुझे मेरी पढ़ाई, मेरा टारगेट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो वो मेरा टारगेट है, मुझे उस पर फोकस रहना है, मेरी लाइफ का पर्पस जो है मेरे को अल्लाह को खुश करना है, मुझे हर एक को खुश कर नहीं सकता मैं, है ना, मैं सिर्फ एक अल्लाह को खुश कर दूंगा तो अल्लाह सबको खुश कर देगा, और मैं उस अल्लाह को नाराज़ करूंगा इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, हो सकता है कि वो खुश हो जाए लेकिन अल्लाह नाराज़ हो गया तो आखिर में फिर मैं नाकाम हूँ। तो हमारा फोकस होना चाहिए, हमें अपनी टाइम टेबल के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ना चाहिए, और एज ए ह्यूमन हमें इल्म को हासिल करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि कभी मैं जहनी मरीज तो नहीं बन रहा हूँ, मेरे अंदर ये अलामत तो नहीं आ रहे हैं जो एक जहनी मर्ज के होते हैं, और उससे महफूज रखने के लिए अपने आप को जो है उसके लिए आपको कोशिश और जद्दोजहद पूरी ज़िंदगी करते रहना चाहिए। जैसे अपनी जिस्मानी सेहत के लिए करते हैं वैसे ही जहनी सेहत के लिए भी करते रहना चाहिए। सवाल कुछ इस तरह से है कि नौजवान तबके की ज़हनी कैफियत के बारे में वालदैन से मुतालबा है कि उनकी ज़हनी कैफियत को ठीक करने के लिए, या इसमें कुछ वर्ड है जो ठीक नहीं है, मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उनका यह कहना है कि नौजवानों की जो ज़हनी कैफियत है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए जब वो बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दिया जाए। इसके ताल्लुक से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियारात में नहीं हैं। तो पहले तो ये समझना है, हम इस वक्त जिस माशरे में और जिस सिचुएशन में हैं, फैसले जो है वो हमारे इख्तियारात में नहीं है, कवानीन हमारे इख्तियारात में नहीं है। एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भेजा जाए तो ये इंसान की फितरत है, फितरत जो तकाजा करती है उसका सोल्यूशन जो है वो उसी के अतबार से होना चाहिए, और इस्लाम जो है वो फितरत का दीन है, इसीलिए इस्लाम में जो है ये सब बंदिशें नहीं हैं। लेकिन अगर नफ्सियाती तौर पे देखा जाए ख़ास तौर पे, तो मैं ये बात कहूँगा कि हमारे बच्चों की जो नफ्सियाती तरबियत है वो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे हम समझते हैं छोटे हैं, और छोटे हैं समझ के हम हमारे बच्चों को जो मालूमात मिलनी चाहिए हमारी तरफ से, जिनसी एतबार से जो बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है, या जिनसी एतबार से जो चीज़ें एक छोटे बच्चे को मालूम होनी चाहिए, हम वो बातें बच्चों को माँ बाप के तौर पे सबसे बेहतर और कौन समझा सकता है, सबसे सही अंदाज में, सबसे हमदर्दी के साथ और कोई नहीं समझा सकता। तो अगर हम हमारे बच्चों को सही गाइड करें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, अगर हमारे बच्चों को हम शुरू से ये चीज़ें गाइड करें और हमारे बच्चों की इस तरीके से परवरिश हो कि उन्हें कोई दूसरा वरगला ना दे, दूसरा उनको बहका ना दे, और उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको भड़का ना दे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को काबू करना वक्त निकाह के वक्त तक ये जो है उनके लिए आसान होगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो आज सब जो है अपने दोस्तों से सीखते हैं,
या मोबाइल से सीखते हैं, और ऐसी चीज़ है जहाँ पे तो जो चीज़ें नहीं हैं, फितरी नहीं है, गलत है, उनको हमने अपने बच्चों को एक्सेस दे दिया, मोबाइल हाथ में दे दिया, और हम जो है इन चीज़ों में बात करने में कतराते हैं अपने बच्चों से। तो बच्चों की उम्र के एतबार से जब छोटा बच्चा है तो उसके लिए गुड टच बैड टच, कौन से पार्ट्स उसके बॉडी के हैं जो उसके पर्सनल हैं, जिस पे उसका उसका पर्सनल इख्तियार है, उसे किसी और को हाथ देने रखने की इजाज़त नहीं है, ये सिखाना। जब थोड़े बड़े हों तो उनको जब वो स्कूल में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं बच्चे, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे पूछते हैं माँ बाप से कि हम दुनिया में कैसे आए, हम कैसे पैदा हुए। तो हमको जो है उनकी समझ और उनकी उम्र के लिहाज से उनको समझाना चाहिए, ये माँ बाप का फरीजा है। अगर हम सही नहीं बताएंगे तो बच्चे यहाँ उनको चुप बिठा देंगे, खामोश बैठो तुम्हारे पूछने की बात नहीं, जैसा कि अक्सर होता है। फिर वो बच्चे जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं और फिर वो सब चीज़ें देखते हैं जो है उनको गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है नफसियाती तौर पर कि हम सही परवरिश करें। अगर आपने अपने बच्चों की सही परवरिश की, उनके और अपने बीच में ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप रखा कि बच्चा हर क्वेरी बिना डर के कि मेरे वालिदैन मुझे क्या समझेंगे, मुझे जज करेंगे, वो हमसे पूछ सकने लगेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसले निकाह तक हम अपने बच्चों के हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से इनको मैनेज किया जा सकता है। आई होप कि ये बात जो है क्वेश्चन को आंसर करती। निकाह तो सही है, निकाह में कोई इनकार नहीं है, निकाह ज़रूरी है, फितरत के ऐन मुनासिब है, मगर कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमको डिसीजन लेना पड़ता है, तो उनका ख्याल करते हुए करें हम निकाह। चूँकि गेस्ट आ चुके हैं तो हम फिलहाल में सवाल जवाब को बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइबर बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।